हैं तो उसमें याद होगा आपको, स्टोरी स्ट्रक्चर है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टोरी है, और उसके बाद फिर उसका प्रोसेस है टू डेवलप इनटू अ विजुअल फॉर्म, और उसकी प्रैक्टिस है, उसका सारा कुछ है जो हम कर चुके हैं। अब ये कि पिछले कई हफ्तों से मैं यही कह रहा था कि अपनी कहानी पे काम करें, और आपको मैंने फिर कहानी के ऊपर भी कई तरीके बताए और कई आपको सजेशंस दी कि आप क्या देखें, किन अफसानों को पढ़ें, किन यूट्यूब के ड्रामों को देखें जो मौजूद हैं, वगैरह वगैरह। अब ये है कि डेडलाइन है 20th of May, 20th of May को आपका फाइनल है, एंड फाइनल इज अ स्क्रिप्ट। अब अगर किसी का स्क्रिप्ट नहीं आता या वो उसको नहीं तैयार करता तो उसको रिपीट करना पड़ेगा, ये यूनिवर्सिटी के ऑर्डर्स है। और उसके लिए हमारे पास 4 लेक्चर या जो भी हैं अभी टाइम है, तो इसमें मैंने पिछले हफ्ते भी आपको एक डेडलाइन दी थी आज की, कि आज आखिरी डेडलाइन है जिसमें आप अपनी अपनी कहानी लाएंगे। और ये भी कहा था, रिकॉर्ड पे है, कि कहानी माइंड में नहीं होनी चाहिए, शुड बी रिटन इन अ रिटन फॉर्म, ताकि उसका पता हो। ये नहीं है कि आपने एक टैगलाइन बता दी, एक आइडिया बता दिया, वो कहानी नहीं होती। कहानी होती है कि जिसको आप शुरू से लेके नैरेट करेंगे एंड तक, विद क्लाइमेक्स एंड विद ऑल बेसिक्स एलिमेंट्स जो के कहानी का हिस्सा होते हैं। अच्छा, अब ये भी मैंने आपको बताया था, तो अब आपने आज के बाद, आज आपने मुझसे, मैंने कहानी आपकी डिस्कस करनी है जैसे कि कहा था, और एक एक करके कहानी सामने आएगी, और जो ओके होती जाएगी वो अगले हफ्ते उसका स्क्रीन प्ले लाएंगे, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, और जिनको मैं बताऊंगा कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको दूर करें या रिप्लेस करें, वो फिर उसको रिप्लेस करके लाएंगे। तो हमारे पास जितना टाइम ये है, हम इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग का प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल के लिए पहले कहानी, फिर स्क्रीन प्ले, और फिर विद डायलॉग। इसी यूट्यूब के ऊपर बहुत कुछ पड़ा होता है। मेरे 3 लॉन्ग प्लेस जो PTV के बहुत अहम लॉन्ग प्लेस थे वो मौजूद है, आप उनको देख सकते हैं कि किस तरह स्क्रीन प्ले लिखा गया था, एक सीन कहां आया था तो अगला कहां आया था, तो उससे अगला क्या हुआ था, और कहानी कैसे चल पड़ी थी। एक का नाम है अचानक, यू कैन राइट इट अगर देखना चाहो तो, अमली तौर पर मौजूद है। दूसरे का नाम है शनाख्त, द आइडेंटिफिकेशन, और तीसरे का नाम है आखिर कब तक। ये 3 मौजूद हैं, लेकिन आप कुछ और देखना चाहते हैं, फिल्में देख, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप यू आर फ्री टू लर्न। और ये मैं मुसलसल फिल्में भी डिस्कस करता रहा हूं, मैं कहानी का ट्विस्ट भी डिस्कस करता रहा हूं, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, और आतिर को अगर याद हो तो वो रिकॉर्ड पे हैं, और रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं कि आप दोबारा उसको, कुछ चीज भूल गई है तो आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। तो ये हमारी आज की प्रैक्टिस जो मैंने जैसे कही, तो कट, मुझे जरा नाम दोबारा बता दें, अचानक और आखिर कब तक। आखिर कब तक एक है, ये अहम इसलिए है कि ये शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए लिखा गया था, जिस दिन उसका इनॉगरल था उस रात ही चला था। दूसरा है शनाख्त, द आइडेंटिटी शनाख्त, तीसरा है अचानक। अचानक तीनों के डिफरेंट मूड हैं, सब्जेक्ट्स हैं, सारा कुछ है। ये मैंने रेफर किया कि अगर आपको कहीं कोई सैंपल देखना है तो वो तो वैसे भी आप देख सकते हैं, किसी भी फिल्म को देख सकते हैं, किसी को देख के रोक रोक के देख सकते हैं कि भाई इसने क्या किया है और इम्पैक्ट कैसे बनाया, आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन
ये सारी बातें आपको याद होगा कि लेक्चर्स में हो चुकी हैं, हाउ टू मूव द स्टोरी, हाउ टू इंट्रोड्यूस, ये सब पता है आपको कि ये सब हो चुका है। ये भी मैं, और मैं आपको कई फिल्मों की ओपनिंग भी बता चुका हूं कि देखें कि उसके अंदर ओपनिंग में ही बहुत सारी चीजें आ गई हैं, कैरेक्टर्स आ गए हैं, कन्फ्लिक्ट आ गया है, मूड आ गया है, वही सारा कुछ जो हमने किताब में पढ़ा था उसकी प्रैक्टिकल शक्ल भी मैंने फिल्मों की ओपनिंग में आपको बताई है। और मजीद आपको बता रहा हूं कि एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, हर शब्द मौजूद है यूट्यूब पे, क्लिक करते हैं चीज निकल आती है। आप देखें कि किस तरह से एक कहानी चली है और एंड तक कैसे गई है और किस तरीके से उसने अपना क्लाइमेक्स बनाया है और रुक गई है, खत्म हो गई है। हर फिल्म का, हर प्ले का यही तरीका होता है। अब आज मैं यही, क्योंकि मैंने कहानी की टिप्स पे बहुत बात की है कि कहानी ये नहीं होती कि एक पोर्ट्रेल है सीधा सीधा और उसमें कोई टर्निंग नहीं कोई, तो ये अफसाना तो हो सकता है मिनटों का, ऐसे कई हैं जिनमें कैफियत है। ये मैं पिछले दफा भी आपको बता चुका हूं कि क्योंकि वो खुद मिनटों कहता है कि यार मेरे हर अफसाने को आप ना वो इतना सीरियसली ना लिया करें, मैं पैसे कमाने के लिए करता था। अच्छा, पैसे कमाने के लिए भी उसके अंदर चूंकि इतनी डेप्थ है उस राइटर के अंदर कि वो अगर चलते चलते भी उसने कुछ बात कर दी है ना, तो उसमें भी कोई ना कोई विजडम है, उसने भी कोई ना कोई सिंबॉलिक बात होती है। तो वो कहने को तो बेचारा यूं ही कह रहा है। तो आप ऐसी कहानियां ना लें जिसमें बस एक आदमी कोई चीज बयान कर रहा है और फिर कहानी खत्म हो जाती है। कहानी में ड्यूरेशन देखें, टाइम की ड्यूरेशन देखें, और जब आप उसको डेवलप करेंगे तो वो कितने मिनट पे आएगा और उसमें करेक्टर कितने हैं और उसमें कोई मोड़, कहानी तो मोड़ मुड़ती है ना, तो वो कितना है, कुछ ट्रांजिशन भी होती है कहानी के अंदर कि एक चीज हुई है तो फिर आगे ट्रांजिशन में चली गई है, तो वो कैसे गई है। तो इस तरह से कहानी का स्ट्रक्चर होता है। तो अफसाना, हर अफसाना फिल्म नहीं बन सकता, हर शॉर्ट स्टोरी प्ले नहीं बन सकती। तो ये देखना पड़ता है कि कितने करेक्टर, उनका टकराव कितना है, उनका टाइम फ्रेम कितना है और उनके साथ वाकयात कितने हैं। ये मैं बिल्कुल एक सिंपल बात कर रहा हूं, मैं कोई उलझी हुई कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, सीधी बात कर रहा हूं कि स्टोरी कैरी करती है इन तीन चार चीजों, बस ये इंटरनेशनल असूल है, कोई मेरा नहीं है, कि करेक्टर कितने हैं, टाइम उनमें कितना है और वो करेक्टर डेवलप होकर उनका कंफ्लिक्ट कहां निकल रहा है, कहानी रुकती कहां है फिर मुड़ती कहां है और कहां क्लाइमेक्स तक रीच करती है और खत्म होती है, रिजॉल्व करती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और ये जितना अब तक आप फिल्में अगर देखते हो तो उन सब में भी यही कुछ है, प्ले देखते हो तो उसमें भी यही कुछ है, कोई नई बात मैंने नहीं बताई। मैंने अलबत्ता आपको ये जरूर बताया है कि उसका जो मेथड होता है टू डिवेलप दैट स्टोरी इन टू विजुअल, तो उसका एक मेथड होता है, वो मेथड यही होता है, ये भी पहले पढ़ा चुका हूं कि आप एक यूनिट उठाते हैं, सीन का यूनिट, उसके अंदर आप कुछ बात करते हैं, तीन मिनट चार मिनट दस मिनट की कोई उसके अंदर कैफियत है, उसमें करेक्टर आता है, उसमें करेक्टर बातें करते हैं, बातें करते हैं कहानी खुलती है। ये असूल है दुनिया की, हर फिल्म का ओपनिंग सीन जो है कहानी को खोल रहा है, आगे फिर वो खुलती चली जाती है, एक से एक जुड़ती चली जाती है। तो ये भी कोई इशू नहीं है। तो ये लेकिन ये आता तब है जब आप कागज कलम लेके बैठते हैं, आप दिमाग में थॉट्स लिए फिरते हैं, वो कभी मटेरियलाइज नहीं होंगी। आज तक किसी फिल्म मेकर ने अपने स्टाफ को ये नहीं कहा कि आके वाइल्ड थिंकिंग करो, नो, Always with a solid subject, with a solid proposal. आप कहीं पे भी जाओगे किसी क्या नाम है के प्रोडक्शन हाउस पे, तो कोई आपके दिमाग को नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं आपसे कहेगा वेयर इज योर वन लाइनर,
इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि वो बैठ जाए आप और वो आपसे कहानी सुने, नहीं सुनेगा। वो कह के वेयर इज योर पेपर। तो मैं पहले दिन से ही आपको यही बात कर रहा हूं कि मेरा कुछ लाखों सफात का काम है। कैसे और लिख के 40 साल से ज्यादा या 30 साल से ज्यादा का अरसा गुजरा है, तो लिख के किया है। जबानी तो मुझसे किसी ने नहीं लिया, ना जबानी मेरी बात सुन के अगले ने मुझे पैसे पकड़ाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज जमाना अजीब है कि आप मोबाइल पर टाइप कर लेते हैं, चले मुझे नहीं एतराज, या आप अपने किसी कंप्यूटर पे कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो भी एक कंसिस्टेंट एक स्टोरी लाइन तो है ना, जो शुरू कहीं से हो रही है कि एक बाबा खैरू था। ये एक क्या क्या मैंने कहा है, एक बाबा खैरू था, मेरे जहन में कोई नहीं था, मैंने तो एक ऐसी आपको समझाने के लिए बात की है। अब क्या है, एक बाबा खैरू था, यानी देयर वॉज अ टाइम व्हेन अ करेक्टर नेम्ड खैरू। बाबा, बाबा मीन्स इज समवट इन हिज एज, या बाबू की तरह है जो बुजुर्ग होते हैं, खैरू था, ठीक है। वो एक खानकाह पे रहता था। अब समझाने के लिए कह रहा हूं और पहले भी समझा चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं, क्या आया करैक्टर। अब करैक्टर पहले बता चुका हूं, करैक्टर बगैर जगह के नहीं होता, ये मैं पहले भी बता चुका। करैक्टर नीड्स अ प्लेस, वेयर इज ही। वो उसी में आए, पहले जुमले में आए, नहीं आता तो अगले में आ जाए। एक बाबू खैरू था, देयर वाज अ करैक्टर, ओके। ही लिव्स इन श्राइन, वो एक खानकाह पे या दरगाह पे रहता था, तो प्लेस आ गई उसकी। तो पता चल गया कि करैक्टर, हमारा करैक्टर कहाँ रहता है, कहानी कहाँ से आनी है, ठीक है। वो रोज आने जाने वालों को देखता था। मैं वो कहानी कहीं से लेके नहीं आया, ऐसे कहानी शुरू कैसे होती है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल मिसाल दे रहा हूं कैसे शुरू होती है। एक दिन उसने देखा, नाउ कम्स द वाक्या। अब देखें, जगह आ गई, किरदार आ गया, सब कुछ आ गया, टाइम आ गया, अब आना है वाक्या। एक दिन एक नौजवान औरत बुरके में या चादर लिए हुए उसके सामने आकर बैठ गए। अब यहां से वाक्य शुरू हो रहा है। मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही आप छेड़ दिया है ना, जिधर ज़हन गया है। एक बार ये भी बताया था कि वाइल्ड जो आपका आइडिया होता है वो कहीं तो कनेक्ट तो होता है ना, ये एक तरीका बताया था मैंने आपको कि वाइल्ड करके उसको कनेक्ट कर दे, फिर देखें आगे कहानी कैसे जाती है। तो उसने पूछा, बीबी कहां से आई हो? उसने कहा, मैं फलां गांव से आई हूं। देन अनदर करेक्टर विद अ प्लेस। फिर आगे वो जो कहेगी वो कनेक्ट, वो कन्फ्लिक्ट होगा। बाबा मुझे बचा लो, मैं घर से भाग के आई हूं। तो कन्फ्लिक्ट आ गया, क्यों भागी हो? मेरी जबरदस्ती शादी हो रही थी। अब यहां से आप एक चीज बढ़ाते हैं, वो किधर जाती है ये तो डिपेंड करता है। तो यही देखा मैंने, एक एक सेकंड में, 2 सेकंड में कहानी अपना ढांचा बनाने पे आ गई है। लॉट ऑफ ऑप्शंस, लड़की को घर वापस ले जाएगा, लड़की को पनाह दे देगा, नहीं देगा, वो कोई और आदमी आ जाएगा, वो उसको कहेगा मैं तुझे बेटी बनाता हूं, या कुछ भी, या वो वहीं रहने लगेगी, लंगर से रोटी मिलेगी, वहीं पड़ी हुई है। लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स, और एक के बाद दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, कोई उसको वहां से चक्कर दे के ले गया, मतलब इट्स ओपन। करेक्टर आ गए, जगह आ गई, कॉन्फ्लिक्ट ओपन है, जिधर ले जाएंगे कहानी चलेगी। अब तक जितने राइटर हैं उन्होंने इसी तरह कहानियां बनाई, और तो कोई तरीका नहीं। दिमाग उनका समझता है कि करेक्टर को कनेक्ट करना होता है जगह से, फिर करेक्टर से, और कनेक्ट करके कहानी में वाक्य लाना होता है, वाक्य के साथ
फिर आगे हमने दूसरा वाक्य लाना होता है, इस तरह चलती रहती है और कंफ्लिक्ट पर आती है, क्लाइमेक्स पर आती है। सो ये मैं बहुत बातें कर चुका हूं और आपको जगह भी बता चुका हूं कि गो एंड सर्च एंड वॉच। अब चूंकि आज मैंने आपसे कहा था कि आज आपने कहानियां लेके आनी है, तो वन बाय वन जिस जिस की कहानी आज अप्रूव हो जाएगी, ही विल गो फॉर स्क्रीन प्ले राइटिंग। तो आप प्लीज, जिसने लिखी हुई है प्लीज पहले वो सामने आए जो लिख के लाया है, और जिसके पास मुकम्मल कहानी, ताकि हम उसको डिस्कस कर सके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मुसव्विर अब्रार। यस यस सर, मेरी आवाज सही आ रही है ना? जी जी ओके ओके, बाकी सबको मैं कहूंगा वो सुनेंगे। सर ये मैंने कहानी लिखी है, लास्ट टाइम आपको क्लास में कहानी सुनाई थी एक मोबाइल रिपेयरर की, जिसमें आपने काफी सारी चीजें बताई थी और करेक्शंस करने का कहा था, तो उस पे मैंने काफी अर्सा काम किया है और उसको दोबारा मुकम्मल तौर पर रिवाइज करके लिखा है। ओके। बिलाल एक 25 साल की उम्र का एक्सपर्ट मोबाइल रिपेयरर है जो अपनी एक छोटी सी दुकान में काम करता है। एक दिन उसकी बीवी की तबीयत खराब हो जाती है और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कोविड का टेस्ट रिकमेंड करता है जो कि पॉजिटिव आ जाता है, और हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए उससे एडवांस मांग लेता है 5 दिनों का। एडवांस के पैसे बिलाल के 1 महीने की कमाई से भी ज्यादा के होते हैं। बिलाल के चचा की अपनी एक मोबाइल डीलर की शॉप है जहां वो ब्रांड न्यू मोबाइल फोन्स बेचता है, लेकिन वो अपने बिलाल का चचा जब भी अपने मोबाइल फोन्स रिपेयर करवाता है तो वो हमेशा बिलाल से ही करवाता है। बिलाल बड़ी उम्मीद के साथ अपने इस चचा से पैसे मांगने का फैसला करता है और उसे फोन कॉल करता है, और कॉल पर दरख्वास्त करता है कि उसे तकरीबन 50,000 रुपये चाहिए अपनी बीवी के इलाज और हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल का एक दिन का खर्चा करीबन 10,000 का है। उसका चचा सारी बात सुनता है, लेकिन आखिर में ये कहकर कि इस वक्त उसके पास पैसे नहीं है और वो शहर से बाहर है, वो बिलाल को टाल देता है। बिलाल अकेला दुकान पर बैठा गमो गुस्से और परेशानी में बहुत कुछ सोचता रहता है, और जो मोबाइल फोन उसका चचा आखिरी बार रिपेयरिंग के लिए देकर गया होता है, बिलाल उसको उठाकर बेचने के लिए मार्केट में ले जाता है। कई दुकानें फिरने के बाद आखिर एक दुकान पर उसका 40,000 रुपये का सौदा हो जाता है, और वहां वो उन पैसों को लेकर हॉस्पिटल में एडवांस दे आता है। 4 दिन गुजर जाते हैं, बिलाल और मुख्तलिफ लोगों को कॉल करके मजीद पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कहीं से कोई आसरा नहीं मिलता। और 4th दिन उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी बीवी की तबीयत बिगड़ गई है, जल्द अस्पताल आ जाइए। बिलाल अभी रस्ते में ही होता है, और जैसे ही पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी बीवी गुजर चुकी है। 2 दिन बाद जब बिलाल दुकान खोलता है तो उसका चचा आता है अपना मोबाइल फोन लेने, और उसके लिए 50,000 रुपये भी लाता है। बिलाल जो कि पहले ही सदमे में होता है, खामोश सा बैठा रह जाता है। बस अब इसमें बहुत अहम बातें हैं, तो सब सुने। पहली चीज ये है कि कोविड का मरीज फौरी तौर पर अस्पताल शिफ्ट नहीं होता। 3-4 दिन सिम्टम्स आते हैं, फिर वो घर पे उसको किया जाता है। हेलो, सुनते जाए ना, आप बंद कर दें मुसव्विर अभी अपना अपना माइक। आवाज नहीं आ रही आपकी सर। नहीं, मेरी तो आवाज ओपन है, नहीं आ रही मेरी आवाज? हमें तो आ रही है सर, ये इशू आ रहा है मुसव्विर को। नहीं मुसव्विर, आप अपना माइक बंद करो, आप अपना माइक अभी बंद कर दो, सिर्फ मुझे सुनो। आप माइक बंद नहीं कर रहे मुसव्विर, इसलिए आपको मेरी आवाज। इसको कोई डायरेक्ट कॉल करके कह दे गाइस, कोई इसको कॉल करे। ये मोबाइल इसका ओपन, मोबाइल इसके ऑडियो है, खैर बंद हो गई। ओके, अब मेरी आवाज मेरे ख्याल आ रही होगी। वो चला गया शायद, उसका डिस्कनेक्ट हो गया, वो आए तो तब फिर आप। अच्छा, हाँ, ही इज नॉट हियर। तो आपको मैं बता दूं इसके बारे में सर, मेरा ख्याल है कि उसका भी वो जो है ना स्टोरी खत्म नहीं हुई, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा चलें, फिर नेक्स्ट कोई जो स्टूडेंट आ गया है, आप मुसव्विर आया है,
मुसव्वर आर यू हियर मी? मुसव्वर डू यू हियर मी? नो ही इज नॉट अगेन. चले कोई और स्टूडेंट, इसको हम बाद में ले लेते हैं. कोई और स्टूडेंट लिख के लाया हो जवाब. सर मैंने लास्ट वीक आपसे डिस्कस की थी अपनी स्टोरी और आपने सजेस्ट किया था कि मैं उसमें कुछ चेंजिंग करूं, जैसे वो जो खातून थी जो उनको नहीं, फिर से करनी पड़ेगी आपको. आपको कहानी अपनी दोबारा सुनानी पड़ेगी. सर मेरी स्टोरी ये थी कि एक कपल होता है जो एक मिनट लिखी हुई है. सर अभी मेरे पास नो, मैंने आज आपको लास्ट वार्निंग दी थी. प्लीज सर लिखी हुई है मैंने सर उसका ये था कि एक कपल होता है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, तो नॉर्थ को जब वो जाते हैं तो वहां पे वो एक जगह कैंपिंग का प्रोग्राम बनाते हैं रात को. वो ये डिसाइड गए होते हैं कि वो कैंपिंग करेंगे, वो किसी होटल या उस तरह की जगह पे स्टेनिंग करेंगे. तो जब वो वहां पे कैंपिंग करते हैं तो उनको एक खातून नजर आती है. पहले मेरी स्टोरी में ये था कि उन दोनों को नजर आती है, लेकिन जब लास्ट वीक मैंने आपसे डिस्कस किया था तो उसके बाद मैंने इसको चेंज किया कि वो एक्चुअली उस खातून को जो उसकी जो खातून होती है जो मिसेज होती है उस बंदे की उसको नजर नहीं आती, जो मर्द होता है उसको नजर आती है. तो वो उसे उसको आके कहती है क्योंकि मैं भी यहाँ पे कैंपिंग करना चाहती हूँ, एक्चुअली बाइक पे होती है. तो वो कहते हैं कि ठीक है आप कर लो. तो कहती है कि क्योंकि आप लोगों ने कैंपिंग की हुई है तो मेरी सेफ्टी के लिए ज्यादा वो है सूटेबल है कि मैं आपके साथ में कैंपिंग कर लूँ. अब वो बंदा उसको इजाजत दे देता है. इस तरह वो वहाँ पे कैंप, वो अपना टेंट भी लगा लेती है और वो स्टे करती है. जो उसकी मिसेज है उसको नहीं पता होता कि साथ में दूसरी जगह साथ में किसी और ने भी टेंट लगाया हुआ. अब आधी रात को जब रात आधी होती है तो उसके उसके टेंट में आ जाती है और वहाँ लगाती है कि उससे उसकी हेल्प चाहिए. तो वो जब उसको हेल्प के लिए कहती है तो वो कहते हैं कि ठीक है क्या हेल्प चाहिए. तो वो कहती है कि उसके टेंट का हवा की वजह से कोई इशू हो गया है तो वो उसके साथ जाए और उसके टेंट की सेटिंग कर दे. जब वो उसके साथ जाता है तो उसके टेंट का जो एक साइड है वो उखड़ी होती है तो उसकी हेल्प आउट करता है उसको वो टेंट वापस लगाने में. और फिर बातें शातें शुरू कर देते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से वो जैसे आशनाई होती है उसकी तरफ जाते हैं. नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं तो वो यहाँ वहाँ से जा चुकी होती है. अब ये जो चीज़ है ये वो अपनी मिसेज के साथ डिस्कस नहीं करता है. इसी तरह दिन में उनको दोबारा मिलती है और वो बंदे को नजर आती है लेकिन उनके साथ बाइक में आगे निकल जाती है. उस खातून को वो फिर भी नजर नहीं आती है. अब नेक्स्ट डे जब वो कहीं पे स्टे करते हैं तो वो फिर वहाँ पे मौजूद होती है. वो बंदा अब उससे बातें करता है तो खातून उसको देख रही है कि वो किससे बातें कर रही थी, उसको तो वो नजर नहीं आ रही जबकि मर्द को नजर आ रही होती है. तो वो उससे पूछती है कि तुम किससे बातें कर रहे हो. तो वो कहते हैं कि वो लड़की है उससे बातें कर रहे हो. तो वो कहती है वहाँ पे तो कोई लड़की नहीं है. वो कहती है नहीं वो लड़की तो है जिससे मैं बातें कर रहा था अभी, तो वो वहाँ पे टेंट लगा रही है. अब वो समझती है कि इसको कोई इशू हो गया है. वो कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो कुछ हेलोसिनेशन का शिकार हो या कोई तुम्हारा साइकेट्रिक इशू है, वहाँ पे कोई लड़की नहीं है. लेकिन इसके साथ ही वो उससे डरने भी लगती है कि ये क्या इशू हो गया. अब वो कहते हैं कि लड़की यहाँ पे है, वो टेंट लगा रही है और वो टेंट लगाती है वहाँ पे, उसको नजर आती है, मर्द को नजर आती है और उसको नजर नहीं आती है. अब इसी तरह वो कहानी आगे फॉरवर्ड होती है और वो कहता है आगे जाते हैं तो वो उनके साथ हो जाती है. अब मर्द जो है वो उसको उससे बातें कर रहा है और खातून है वो समझती है कि ये नफ्सियाती या पागल हो गया है. तो वो एक दूसरे को कन्विंस करने की, वो मर्द उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो है और खातून कहती है कि नहीं वो नहीं एग्जिस्ट करती है. वो इसी आर्ग्यूमेंट में फिर वो एक जगह जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी मैं उसकी एक पिक्चर निकाल के दिखाता हूँ, अब वो मिले तो मैं उसकी पिक्चर निकालता हूँ और दिखाऊंगा. तो जब वो उसको कहता है, जब उसकी पिक्चर निकालता है तो वो पिक्चर में नहीं आती है, कैमरा में उसकी पिक्चर नहीं आती है. जिस समय तो उसने कैमरा करके पिक्चर ली होती है वो कैमरा खाली आता है, सिर्फ वहाँ पे सीनरी की पिक्चर आती है, उस लड़की की नहीं आती है मोटरसाइकिल.
वो परेशान होता है और वो उसको दिखाता है, तो कहती है मैं नहीं कहती कि ये तुम्हारी जेन की इख्तरा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो वो परेशान होता है और वहाँ पे एक शॉपकीपर होता है जिससे वो जाके कहते हैं कि इस तरह एक लड़की है वो सामने, वो तुम्हें नजर आ रही है, इसको भी नहीं नजर आ रही, मुझे नजर आ रही है, उससे पूछता है शॉपकीपर से। तो वो हंसता है, वो कहते हैं अच्छा 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 तुम्हें भी वो लड़की नजर आ रही है। तो वो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं कि ये बहुत सारे लोगों को टूरिस्ट होते हैं जो यहाँ पे आते हैं उनको नजर आती है, ये दरअसल एक बाइकर गर्ल थी जिसका यहाँ से एक्सीडेंट हुआ था और उसकी डेथ हो गई थी, और जितने भी टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं उनमें से किसी न किसी के साथ वो सफर करती रहती है। That's it, sir. Okay. मैंने पहले भी आपसे यही कहा था, वो आपने चलो इसका वाइंड अप कर दिया कि शी इज नो मोर। अब इस दौरान जब इसको दिखाई दे रही है, बीवी को दिखाई दे नहीं दे रही, तो ये उस बीवी को कह सकता है टच हिम, टच हर, वो टच करती है, वो तो कोई भी नहीं है, देखो ना एक बंदे को दिखाई दे रही है, तो साइकोलॉजिकली उसको क्यों दिखाई दे रही है। ठीक है, वो मर चुकी है, ओके। अब इसमें दो दो फिल्में हैं, कई फिल्में हैं, लेकिन दो फिल्में गौर से सुन लो, ये आपको देखनी है। एक फिल्म है महल, इंडिया की, दूसरी फिल्म है लेकिन, गुलजार की। ये फिल्में इसी मौजू पे हैं, और भी होंगी, लेकिन ये हैं कि उस महल के नीचे एक लड़की दब गई थी, दफना दी गई थी, अब उसकी रूह जो है उस महल में फिर रही है और उसको दिखाई देती है। लेकिन गुलजार की फिल्म है, और गुलजार आपको पता है लॉजिकल राइटर नहीं है, ज़हन में रखें, बहुत बहुत रियलिस्टिक राइटर है। तो लेकिन फिल्म देखें आप, डिंपल कपाडिया की फिल्म है, उसके पीछे कहानी है, वो लड़की रक्स करती है, गाती है, और जो वहां पर है उसको दिखाई देती है, उसकी आवाज भी आती है। हुआ क्या था कि ये एक महल टाइप बहुत बड़ा किसी रईस का, ठाकुर का महल था, और ठाकुर ने एक रात के लिए बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर को दावत दी थी, उसके साथ उसकी लड़की भी थी और बीवी भी थी, और वो भी शरीक होते थे यानी बजाने में, और तो उसका दिल आ गया था उसकी बेटी पे, और ये कहानी बाद में पता चलती, और वो रिजिस्ट करते हैं और वो उनको मार देता है और उसी के अंदर दफन कर देता है। अब 100 साल गुजर गए हैं, 50 साल गुजर गए हैं, उनकी रूह वहां है, तो जो जाता है वो उनको दिखाई देती है, राइट। फिल्म भूल भुलैया, उसमें भी यही है। तो या तो तुम देखो, अगर रूह ही का हिसाब किताब है ना, तो फिर उसके पीछे सॉलिड कहानी आपने तो बनाया, एक बाइकर एक्सीडेंट हुआ मर गई, इसको थोड़ा रिच करो कि वो मरी कैसे, हो सकता है टॉर्चर से मरी है, हो सकता है एक ऐसी जगह फंस गई है कि नीचे आती है तो उसको खतरा है कि वहां कोई लोग है उसको अगवा करना चाहते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, तो किन हालात में वो मर जाती है। खाली एक्सीडेंट से मरते तो दुनिया मरती रहती है, लेकिन कोई उसके पीछे मिथ बनाओ, जैसे लेकिन फिल्म मैंने कहा देखो सर, सर हाँ। उसकी जो उसके एक्सीडेंट की रीजन ये होती है कि वो रीजन रीजन का इशू नहीं है बच्चे, रीजन का इशू नहीं है, इशू ये है कि उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग मिथिकल चीज बनाओ, ये कह रहा हूँ जी सर, वही बता रहा हूँ मैं। जब वहां से जा रही होती है तो गाड़ी में कुछ लड़के आ रहे होते हैं जो वो स्पीड में आ रहे होते हैं, अब वो उनको उनसे बचने की कोशिश में उसका एक्सीडेंट हो जाता है वहां पे, उसका जब एक्सीडेंट होता है तो वो नीचे वहां पे नाला है उसके पास गिरती है, वो जख्मी होती है, वो लड़के रुकते हैं उसको देखते हैं,
अब उनसे मिन्नतें करती है कि आप मुझे किसी तरह उठाए हॉस्पिटल से जाए, मुझे मुझे फर्स्ट एड दिलाएं ताकि मैं बच सकूं, लेकिन वो इस डर से उन उसकी हेल्प नहीं करते कि वो जब अगर उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो अल्टीमेटली उनके खिलाफ केस बनेगा और उनको इशू होगा, तो उसको वहां पे छोड़ के मर जाते हैं, और चूंकि नॉर्थ में सर्दी होती है तो सर्दी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, ये तो एक ऑर्डिनरी कहानी है ना, मैं थोड़ा बियॉन्ड सोच रहा था कि ये ऐसी जगह हैं जहां दास्तानें भी मशहूर हैं, रूहें आती हैं, झील सैफुल मलूक पे वो रूह आती है जिसके साथ उसकी मिथ है, ऐसी बता रहा हूं, तो ये ताकि उसकी रूह का भटकना जो है ना वो जरा स्ट्रांग हो। अच्छा, फिर इसको क्यों दिखाई देती है? कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, मसलन इसको इसलिए दिखाई देती है कि ही कि इस तरह का कोई बंदा था जो उसकी हेल्प करना चाहता था लास्ट टाइम और वो नहीं कर सका, सो ये सिर्फ उसी को दिखाई देती है। मीन समथिंग, कोई कनेक्शन होना जरूरी है, कि मेक बिलीव भी मांगता है कि उसकी कोई लॉजिक हो। तो ये मैं कह रहा था कि ये जो छोटी छोटी जगह हैं इनको निट करना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी दुनिया में कहानियां हैं और रिलेटेबल है, हो जाती हैं वो, तो या तो उस तरह की चीजें देखो और फिर इसको, और बताओ ये कितनी देर की कहानी बन सकेगी आप इसको अगर बनाते हो। सर 30 से 40 में। ओके, मुझे इससे भी कोई वहम नहीं है। मुझे ये बताओ, ये आपका आप इसको फाइनल अपना करना चाहोगे प्रोजेक्ट? सर जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो मैं डॉक्यूमेंट्री करना चाहूंगा, तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी राइटिंग के लिए। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। तो मेरे दो तीन पॉइंट्स हैं और मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करता हूं कि अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस है प्लीज वो भी फौरन आए बताएं इसको, मैं सुन रहा हूं। इसी वजह से जितना आपने बात की है उसके मरने की कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए, ताकि वो मतलब वो बाइकर गर्ल थी, वो आई है तो कोई ऐसी वजह हो कि वो मर गई, मतलब या उसको मार दिया गया या कुछ इस तरह हुआ है, तो इस वजह से वो सिर्फ जो टूरिस्ट आते हैं उनको ही नजर आती है, या तो वो किसी ग्रुप के साथ आई थी जिन्होंने उसको बाद में मार दिया, या कुछ इस तरह सीन था कि वो सिर्फ उनको नजर आती है, बाकी वो उधर के लोकल्स को या किसी और बंदे को नजर नहीं आ रही। ठीक है ठीक है, ये एक तो आपकी राय है। इसकी हाँ कोई ठीक है, मतलब ऐसी वजह होनी चाहिए ताकि वो है, या तो फिर कोई ऐसी कोई इशारा ऐसा है जो वो मतलब टूरिस्ट को देना चाहती है कुछ इस बहुत तरह अच्छी का बात, वहां। बहुत अच्छी बात की है अंजला, बहुत अच्छी बात की। मैं यही बात कर रहा था, इसी के लिए रेफरेंस की फिल्में मैं आपको बता रहा था कि एक को क्यों दिखाई दे रही है। हो सकता है आइडेंटिकली ये जो शख्स है उस वक्त भी इसी तरह का कोई शख्स उसको बचाना चाह रहा था, से अबाउट ऐसी बात कर रहा हूं, या ये उससे मोहब्बत करता था और वो बचाने नहीं आया, समथिंग लाइक मिथिकल, तो इसलिए ये सिर्फ इसको, तो जिसको नजर आ रही है उसका कनेक्शन माजी में कुछ बनना जरूरी है। ये अभी आपने अच्छी बात की, तो अब इस पे सोचो ताकि हमें ये पॉइंट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है कि वही, तो इसका माजी का कोई कनेक्शन जरूर होना चाहिए कि इस जैसा था, इसी तरह का बंदा था, इसी तरह की सिचुएशन थी, जो भी है इसको जरा सा वो करो। ठीक है, कोई और स्टूडेंट अगर इस पर राय देना चाहे। हाँ सर मैं एक छोटी सी सजेशन देना चाहूंगा कि बोले। अपना जिस तरह आपने कहा कि इसी बंदे को क्यों नजर आता है, इसकी एक बड़ी अच्छी रीजन ये हो सकती है कि आखिरी बार यानी कि शादी से पहले जब वो उस एरिया में गया था तो वो किसी एक लड़की के साथ गया था जो कि ये लड़की है, उसके साथ ये वाकया हुआ और उसे पता है कि क्योंकि इसी जगह पे हुआ था, तो जब वो अपनी नई बीवी को लेकर आता है तो उसकी क्योंकि मेमोरी में वो एक गिल्ट रह गया है, रेजिड्यू रह गया है, तो
तो वो चीज एक बार दोबारा जाग उठती है। आवाज अब ठीक पहुंचो, बिल्कुल ठीक पहुंचो कि देयर इज अ पास्ट स्टोरी सो दैट सिर्फ इसका गिल्ट है जिसकी, और हो सकता है वो नजर आती ही ना हो, ओनली गिल्ट इज देयर। समझ गए सब लोग? इट इज द गिल्ट जो उसको नजर आ रही है, अदरवाइज वो है नहीं। अब इसको तुमने कंस्ट्रक्ट करना है इस तरीके से कि जो बैकअप स्टोरी है वो बड़ी स्ट्रॉन्गली आए, ठीक है? और जब से नजर आ रही है तो ये उसे अवॉइड भी करे क्योंकि गिल्ट है। मैं इसको रीराइट करता हूँ। हाँ, इसको करो तो ये फिर ठीक ठीक हो जाएगी। मतलब शुड बी अ कनेक्शन। और लेकिन फिल्म जरूर देखो, लेकिन फिल्म जरूर देखो, ठीक है सर? मैं ये आपके जो दो फिल्म सजेस्ट की मैं देखता हूँ। हाँ, ये जरा देखो, ठीक है? ओके, तुम्हें क्लू मिल जाएगा, क्लू मिल जाएगा। बाकी ठीक है, इसको इस तरह करो। नेक्स्ट सर, मैंने अपनी स्टोरी पे आपसे फीडबैक लेना था, बीच में कनेक्शन टूट गया। पहली स्टोरी मैंने सुनाई थी। हाँ ठीक है, वो कहाँ रोकी थी आपने बताया ना सर? शुरू से शुरू करूँ या कहें तो आखिरी पार्ट सुनाओ? जब वो टेलीफोन वो अपनी दुकान पे आ जाता है तो मामू पैसे लेके आता है, यहाँ तक थे आप? जी जी। बिलाल जब तक हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक वो गुजर चुकी होती है। दो दिन बाद जब बिलाल दुकान खोलता है तो उसका चाचा दुकान में आता है अपना मोबाइल फोन लेने, जो रिपेयर के लिए देकर गया था, और उसके लिए 750,000 रुपए भी लाता है। बिलाल जो कि पहले ही सदमे में होता है, खामोश सा बैठा रह जाता है। बस यस सर। अच्छा, तो यहीं तक तो तुम आ गए थे ना, तो आपके ख्याल में यहाँ मुकम्मल हो गई है, राइट? यस सर, अभी अच्छा, तक जितना मैंने लिखा है। ओके, मैं इस पे बात करता हूँ पहले, अगर कोई स्टूडेंट अपनी राय इस पे देना चाहे, एनी सजेशन? कोई स्टूडेंट? सर इनकम्प्लीट है अभी, ऐसा तो ऐसी कोई स्टोरी लग नहीं रही है, बस एक इवेंट है। ठीक है, ठीक है सर, मेरा है कोई क्लाइमेक्स नहीं। ओके, नेक्स्ट कोई स्टूडेंट? सर पहले ये तो कोविड का बंदा है और वो इतना जल्दी हॉस्पिटल नहीं जाता। हाँ, ये मैंने बताया था, ठीक है। और दूसरा ये कि सर दो दिन बाद जब वो के बीवी गुजर जाती, दो दिन बाद कैसे वो शॉप खोलता है? ठीक है, और अगर वो उसका मामू है तो मामू को नहीं पता कि उसकी भांजी गुजर गई है? जी वही सर। देखो ना, मामू जो 50,000 लेके आया है, मामू तो रिश्तेदार है, तो जब वो मरी होगी तो मामू को तो बुलाया गया होगा, तो उसको तो पता है कि अब उसको पैसे की जरूरत नहीं रही। समझे ना आप बात को, ठीक है ना? अगर वो उसका रिश्तेदार है तो जाहिर है कि इतना बड़ा वाक्य हुआ तो उसको तो बुलाया गया होगा, तो वो क्यों 50,000 लेके आएगा? सर क्योंकि एक तो वो शहर से बाहर था, दूसरी बात वो चाचा तो बिलाल का है ना, मतलब उसका उसकी बीवी से ऐसे डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं है, तो क्योंकि वो उसके अगर उसका क्यों नहीं, अगर भतीजे की बीवी से ताल्लुक नहीं होता चाचे का, मेरा मतलब हर कोई सिंसियर तो नहीं होता, इस सेंस में मैं सोच रहा था। नहीं भाई, जब मौत हो जाती है तो वो रिश्तेदार सभी आते हैं, सबको इतला हो जाती है, इतला हो जाती है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। अब बताएं सर क्या? देखिए बात यह है कि ये कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है? ऑनेस्टली, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने कहा भी है, ठीक है, तो ये कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है कि जिसमें कोई देखिए ना, पैसे होते ना होते, अब दुनिया के अंदर कोविड चल रहा है तो जिसके पास पैसे नहीं है वो भी सरकारी अस्पताल में जा रहा है, कहीं ना कहीं बेड मिल रहा है, मतलब कोई इतनी बड़ी वो चीज नहीं है। और अगर फर्ज करो पैसे नहीं है, एक मिनट सुन लो, पैसे नहीं है, बेशुमार लोगों ने कोविड में अस्पताल नहीं गए, नहीं जा सके, घर के अंदर ही 15 दिन गुजारे हैं, अगर मर भी गए हैं तो घर में ही मरे हैं, ये भी है, मतलब ये इसके अंदर कोई इतनी बड़ी डेप्थ नहीं है। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक कोविड चला हुआ है तो उसमें तो 100 मर रहे हैं, तो वो इतनी बड़ी वो चीज इवेंचुअलिटी बन भी नहीं रही।
और फिर ये कि सिर्फ 40,000 के लिए बंदा मार रहे हैं, मतलब वो सरकारी अस्पताल में जाके फेंक आए, वो उनकी ड्यूटी बन जाती है। तो ये चीजें हैं, ये जरा सा, इसलिए मैं इस कहानी को कोई इतना रिकमेंड नहीं कर रहा, सीधी बात है। सर बस एक लास्ट पॉइंट मेरा, इसका जो मेन मकसद आपकी बात सही है, इसमें कोई मतलब वही बात के लार्जर देन लाइफ या उस सेंस में चीज नहीं है। मैंने जिस सोच से कम अज कम इसे लिखा था वो बिल्कुल रियलिस्ट सेंस में था कि मतलब जब ये सही बात है आपकी, सिचुएशन बहुत कॉमन है आज के दिन में, तो हो सकता है 10 दफा इस तरह की कहानियां गुजर रही हो अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस पर गुजर रही है उसके लिए वो जो इंटेंसिटी है, मैं इसको बिल्कुल बनाने की सोच से सोच रहा हूँ, उसके लिए कितना रियल है, कितना जेन्युइन है, ये बात सही है। लोग गुजर जाते हैं लेकिन उन पर गुजरती तो है ना सर, मतलब माना कि कोविड एक स्टैटिस्टिक है लेकिन जिस पर गुजर रही है उसके लिए सिर्फ ये नंबर्स तो नहीं है ना, कितने लोग गुजर गए, उसका तो एक जानने वाला गुजर है। आप ठीक बात कर रहे हो, आप ठीक बात कर रहे हो, लेकिन पैसे का कंसर्न नहीं आता। जहां ह्यूमन लाइफ इंडेंजर हो वहां सरकारी अस्पताल है ही, इसीलिए बचे ना बचे आदमी वो एक अलग इशू है। गरीब भी अपनी बीवी को खाट पे लाके, चारपाई पे, एम्बुलेंस भी नहीं ला के, सर्विसेज अस्पताल के बरामदे में डाल देता है, ये सरकारी अस्पताल। सही बात, उनकी उनकी मर्जी है, उसको बेड देते हैं नहीं देते, मर जाए मर जाए, बट पैसा नहीं आता, जिसके पास नहीं है नहीं। ये मेरा पॉइंट है कि वो ठीक है कि एक जान जा रही है और वगैरह है वगैरह है, वो अपनी जगह पर है। अब यही अभी मैंने आपको अपना एक प्ले रेफर किया है, आखिर कब तक, उसमें यही इशू है। कैंसर की एक मरीज है और एक गांव से उसको चारपाई पे लाया जा रहा है, पैसे वैसे नहीं है उनके पास, देख लो कैसे उसको लाते हैं, कैसे अस्पताल में डालते हैं और क्या होता है। तो गरीबों के लिए भी तो जिंदगी के लिए पैसा नहीं है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि बंदे को वहीं रख के तो मार दें, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई सोर्स होता है, कोई ना कोई तरीका होता है, टोटका होता है, वो उसको अस्पताल का रास्ता दिखाते हैं। पहले तो घर पे ही करेगा, कोविड अगर है तो पेनाडोल देगा, पानी देगा, वो जो बुनियादी चीजें हैं। और अगर ऐसा है भी, उसके मरने को मैं छोटी बात नहीं कह रहा, मैं वो बात कर नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो कोई इतने बड़े कन्विंसिंग नहीं है। वो अब जहां उसकी दुकान है वो अपने किस कोई ना कोई तो दोस्त होगा ना, 5,000-2,000 कहीं से पकड़ लेगा। अव्वल तो ये है कि 80% गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्थ, लेकिन फिर हेल्थ मिल तो रही है उनको, थर के अंदर, मिट्टी के अंदर, वहां भी किसी के पास पैसा नहीं है, लेकिन लेके तो जाते हैं ना, कोई ना कोई अस्पताल डिस्पेंसरी सरकार की तो है। ये मेरा पॉइंट है कि कोई बहुत ज्यादा अर्जेंसी 40,000 की बन नहीं रही, पॉइंट इज दिस, क्योंकि आजकल क्योंकि बेचारा गरीब है तो ये प्राइवेट में क्यों कराएगा इलाज, सीधा लेके जाएगा जहां सरकार ने खोल रखा है। सरकार आप सामने रोज कह रही है कि हमारे पास इतने बेड हैं, हमारे पास इतने ये हैं, तो किसके लिए, पैसे थोड़े ले रहे हैं वो, ये चीज है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये कोई इतना बड़ा व्यूअर के लिए इतना बड़ा टेंशन पॉइंट नहीं बन रहा, व्यूअर कहे अच्छा यार की हो गया, नहीं है पाया यार तो दुनिया सारी फिर रही है, तो ये एक व्यूअर का रेस्पॉन्ड आएगा ना, मैं मेरा नहीं आएगा, व्यूअर का तो आएगा। सर तो आप हेल्प कर सकते हैं कि इसको, इस पॉइंट को जहाँ पे वीक है इसको किस तरह एग्रेवेट किया जा सकता है, कि फॉर एग्जांपल बेड्स की कमी है यार, तो बात ये है, फिर उसके लिए मैं आपको बताऊं, फिर उसके लिए आपको एक तो ये मेरे वाला सीट देख लें, लॉन्ग प्ले, उसके अंदर मैंने पूरा प्रोसेस डाला है, ठीक है। दूसरा, फिर आपकी कहानी ये नहीं रहेगी, ये जेन में रखना, फिर ये होगी कि एक कोविड की गरीब मरीजा है, ठीक है, पहले घर पे है, अब मजबूर है, तो उसको कैसे, उसके पास एम्बुलेंस के पैसे भी नहीं, तो 1122 है, देखो दुनिया में सारी चीजें हैं ना, तो चलो 1122 भी देर से आ रहा है, कोई बात नहीं क्योंकि कोविड का मरीज फौरन नहीं मरता, तो वो फिर आप प्रोसेस पे निकलो,
लेके गए अस्पताल, बेड नहीं मिल रहा, बाहर पड़े हुए हैं। मैंने भी यही दिखाया, इसलिए मैंने रेफर किया तुम्हें। अब फिर तुम इस प्रोसेस में चले जाओ, ठीक है। अब जब तुम इस प्रोसेस में जाते हो तो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, डॉक्टर की सिफारिश ढूंढ रहा है, इसके पीछे भाग रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, कोई नर्स आ गई, उसने कहा अच्छा अच्छा अभी एक बेड खाली हो रहा है। अब वो, अब असल कहानी अब यहां आ गई है, तो गौर से सुन लो। ठीक। नर्स उसको कहती है कि एक मरीज ने मरना है क्योंकि वो लास्ट ब्रीज पे है, दुआ करो वो मर जाए तो फिर मैं तुम्हारी बीवी के लिए बेड वो दे दूंगी। ऐसी बात कर रहा हूं, दुआ करने की बात आती नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही समझाने के लिए कह रहा हूं। अब वो इस उम्मीद पर है कि काश वो मर जाए, काश वो जल्दी मरे, समझ रहे ना मेरी बात को? बिल्कुल। अच्छा, अब ये है व्यूअर्स का पॉइंट, ठीक है, कि एक की जिंदगी के लिए दूसरे का मारना जरूरी हो गया है। सही। ये पॉइंट्स पे लाते हो तो फिर तो मैं कहूंगा हाँ भाई तूने कुछ किया है, ठीक है। और एंड ये हो कि वो भी मर जाए और वो भी उसी वक्त पे मर जाए, किसी के काम बैठना है, किसी तीसरे के काम आए। सही, सही हो गया। मैं इसको अभी रिवाइज करता हूं। गो ऑन, वर्क ऑन द डिटेल्स। आई विल, थैंक यू सर। नेक्स्ट सर, सर कंफर्म करने के लिए आखिर कब तक यही प्ले का ना आपने? हाँ आखिर कब। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आतिफ तुम आ जाओ। सर मैं बताऊं? सर अच्छा जी चले आप आ जाओ। जी सर, ये सर लास्ट वीक आपसे डिस्कस किया था मैंने, वो एक गांव की स्टोरी थी तो उसको आपने जैसे गाइड किया था उसके मुताबिक थोड़ा सा चेंज किया सर। चलो आओ। सर ये मैं आपको सुनाता हूँ। नूरवाला पंजाब का एक गांव था जिसमें जमींदार और कमी रहते थे। दोनों तबकात की तकसीम वादे तौर पर नजर आती थी, एक तरफ पक्के मकान और दूसरी तरफ कच्चे घर मौजूद थे। कहानी का मरकजी किरदार तारा इसी गांव में अपने खानदान के साथ कई पुश्तों से रिहाइश पजीर है। तारे की बीवी अपने बेटे की पैदाइश के वक्त जचगी की पेचीदगी और मुनासिब इलाज ना मिलने की वजह से वफात पा गई थी। उसकी वफात के बाद तारे ने दूसरी शादी नहीं की और अपने बेटे यूसुफ को खुद पालने पोसने लगा। तारा अनपढ़ था और चाहता था कि यूसुफ भी उसी के साथ बड़ा होकर चौधरी अमजद नामी जमींदार के पास उसी की तरह काम करे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ यूसुफ जो एक बच्चा था, अपनी उम्र के बच्चों को जब स्कूल जाते हुए देखता था तो इसका दिल भी स्कूल जाने को करता था। जब भी वो अपने बाप से स्कूल जाने का कहता, तारा हालात और गरीबी का रोना रोकर यूसुफ को मना कर देता और उसे बार बार बावर करवाता कि हम कमी हैं और हमारी किस्मत में बड़ों बड़े लोगों की खिदमत करना ही है। यूसुफ की बार बार की जिद के बाइस तंग आकर तारा एक दिन यूसुफ को अपने साथ अपने मालिक चौधरी अमजद के पास ले गया और उससे कहा कि इसको समझाए, ये मेरी बात नहीं समझता कि हम कमी लोग पढ़ाई नहीं करते बल्कि आप जैसे बड़े लोगों की नौकरी करते हैं। चौधरी अमजद यूसुफ को वही बातें दोहराना शुरू कर देता है जो कि तारा उसे कहता रहता है। इसी दौरान में चौधरी अमजद का बेटा स्कूल से वापस आता है और अपने बाप के पास बैठकर बाप और तारे की गुफ्तगू सुनना शुरू कर देता है। इसी गुफ्तगू के दौरान में यूसुफ हसरत से चौधरी अमजद के बेटे को देखता रहता है जो कि साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस है और वो उसे बहुत भाता है। चौधरी अमजद का बेटा माजिद अपने बाप की बातें सुनता है और दरमियान में इंटरप्ट करके अपने बाप की बातों से डिसएग्री करता है और इसे कहता है कि अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो हमारे मुलाजिम का बेटा क्यों पढ़ नहीं सकता। चौधरी अमजद का बेटा उसको भी वही बातें करता है जो कि वो तारे और यूसुफ को कर रहा होता है। लेकिन इसी दौरान में माजिद जो चौधरी अमजद का बेटा है वो तारे को समझाता है कि वो अपने बेटे को पढ़ने से मत रोके। तारा उसे भी वही तावीलें देता है मगर माजिद उसे बार बार मना करता रहता है। चौधरी अमजद अपने बेटे को डांटता और मना करता है मगर माजिद बजिद रहता है और अपने बाप को मजबूर करता है कि वो यूसुफ की पढ़ाई का खर्चा उठाए। चौधरी अमजद बेटे के प्यार और दिल से आखिरकार मजबूर होकर यूसुफ को पढ़ाने के लिए रजामंद हो जाता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यूसुफ इसे सुनकर खुश होता है और माजिद का शुक्रिया अदा करता है, चौधरी अमजद और माजिद का शुक्रिया अदा करता है और इससे वादा करता है कि वो पढ़ लिख कर
एक उस्ताद बनकर इल्म की शमा अपने गांव में कभी भी बुझने नहीं देगा। यार इसमें कन्फ्लिक्ट नहीं है, सीधी सीधी बात है कि एक बच्चा पढ़ना चाहता है उसे एक बंदा पढ़ा रहा है, बात खत्म हो गई। ठीक है सर, आप खुद समझो ना, मैं तो और को करके बोलता होता हूँ ना कि ये तो एक सीधी सीधा एक सीन है कि एक बंदे का बच्चा है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर रहा, उसको कन्विंस करता है किसी अमीर को, वो कन्विंस हो जाता है, कहते कोई बात नहीं ये पढ़ लेगा। इस तरह तो बेशुमार दुनिया पड़ी है सर, लेकिन वेयर इज द कॉन्फ्लिक्ट, ये तो इसको दोबारा देखो। और मैंने तो आपको देखें जो शॉर्ट स्टोरीज मैंने रिकमेंड की हुई है ना, वो जरूरी नहीं आप वो करें, लेकिन उनसे सीखें तो सही कि उन हर कहानी के अंदर एक क्लाइमेक्स के अंदर एक पंच लाइन है, चाहे वो मिंटो है, बेदी है, चाहे गुलाम अब्बास है, कोई है। वो सीखने के लिए तो वो तुम देखो ना कि कोई ना कोई उसके अंदर एक पहलू है, समझ लो। तो इसको रिपीट दोबारा करो और नई कहानी के साथ आओ। ओके सर मैंने आपसे कहानी डिस्कस की थी इंसाफ अहमद नदीम कासमी की, उसका मैं स्क्रीन प्ले लिख के लेके आया था। अच्छा क्या थी जरा दोबारा बताओ, इंसाफ क्या? इंसाफ, इंसाफ सर, इंसाफ। अच्छा जी, नहीं पहले कहानी सुना दो ना फिर। ये सर पूरी कहानी सुनाऊं या नहीं, मुझे याद नहीं आ रही ना कौन सी है सर। ये जिसमें बच्चा होता है एक छोटा सा, वो क्लास में शरारत करता है, पहले वो नहीं बता रहा होता उसका क्या नाम है, दोस्त को सजा मिल जाती है, तो वो फिर अपने उस्ताद को बताता है कि ये शरारत मैंने की थी। तो उस टाइम घड़ी वाला किस्सा है ना, घड़ी चुराता है। नहीं नहीं सर नहीं। अच्छा वो इसकी पेंसिल गिरती है उधर, तो उस पे उस्ताद गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर जब ये उस्ताद को बताता है कि ये शरारत उसने की है, तो वो कहते हैं कि तुम एक इंसाफ करने वाले बनोगे। तो फिर दिखाते हैं कि वो मतलब आगे जाके पुलिस ऑफिसर बनता है, फिर उसके पास वो पहला केस आता है, फिर वो केस सॉल्व करता है, और वो पूरा ये स्टोरी थी सारी। अब देखें इसमें ट्रांजिशन बहुत बड़ी है बच्चे, मैं आपको क्या बताऊं, बचपन चलो तुम उसको फ्लैशबैक में ले लोगे, लेकिन फिर भी ये कोई इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हर बंदा को बचपन में कोई ना कोई दुआ मिलती है और वो पूरी भी हो जाती है। मेरे नाना ने सर इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तो वो जो उसका पहला केस होता है मेन कॉन्फ्लिक्ट वो है, क्योंकि उसका पहला केस जो होता है उसने अब वो हर हालत में सॉल्व करना होता है ताकि अपने वो सीनियर्स के साथ वो करे। इसकी स्टोरी आपको मतलब उस टाइम जब मैंने सुनाई थी तो आपने कहा था ठीक है, स्क्रीन प्ले के अंदर सिर्फ थोड़े से इशू थे वो ठीक करने को आपने कहा था। अब इसमें ये है कि वो फिर ये थी कि वो जो पहला केस आता है उसमें उसके लिए टेम्पटेशन होती है, लेकिन वो नहीं जाता उधर और इंसाफ करता है, कोई इस तरह की बात थी? नहीं नहीं सर, वो पहला केस इसके पास आता है, कत्ल हुआ होता है एक नाले के किनारे। हाँ ठीक है, तो वो जाता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकलता है, तो उसको पता चलता है कि उसका जो कत्ल होने वाला होता है मक्तूल का कोई दोस्त आया हुआ होता है, तो वो उसके दोस्त से पूछता है, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बताता। तो इतना उसको पता चलता है इसकी एक बीवी है जो गांव में है, तो वो उसकी बीवी को बुलाता है, तो वो बीवी उसकी जब गाँव से आती है तो वो बीवी कुछ दिन उसके घर रुकती है, तो वो उसकी बीवी को अपने जाल में अपनी बातों में फिसला के उसकी बीवी से उगलवाता है, तो वो उसकी बीवी उसको बताती है कि ये कत्ल उसके दोस्त ने उसके कहने पे किया है कि वो फिर उससे शादी कर लेगा। तो वो फिर कोर्ट के अंदर जो है वो उससे शादी का जो ये थानेदार होता है ये उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो ये फिर ये उसको का नाम है कासिमी साहब ने इसी तरह लिखा है। जी जी सर, ये इसी तरह सारी कहानी चलती है। तो इसके अंदर आपने मुझे कहा था कि स्टोरी थोड़ी सी चेंज करनी है। क्या चेंज की? सर फिलहाल तक तो मुझे मतलब यही मैंने दोबारा आपसे पूछना था कि इसमें फिर अब क्या चेंज करूं स्क्रीन प्ले, अगर आप यार, मुझे कन्विंस नहीं कर रही, मुझे कन्विंस नहीं कर रही, आई एम सॉरी। कासमी की कहानी लेनी है तो मैं आपको 10 कहानियां और दे देता हूं, वो बना लो।
सर कौन सी? लिखो आला, अलिफ लाम अलिफ नून गुना आला, आला आला करेक्टर का नाम है, लड़की का नाम है आला। सही सर। ये गुलजार ने की है, गुलजार की स्टोरीज में पड़ी है किरदार यूट्यूब पे। सही है सर, सही है। तो उसके अलावा है उसकी कहानी रईस खाना, रईस खाना, रईस खाना। सही है सर। ओके। फिर उसकी कहानी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर। ये मैंने की थी टीवी के ऊपर। फिर उसकी कहानी है परमेश्वर सिंह, ये भी पीटीवी पे हुई हुई है। कौन सर? परमेश्वर सिंह, परमेश्वर सिंह। तो लेने ही है तो फिर उसकी कोई बड़ी कहानी लो जो उसकी अच्छी कहानी है। सही सर, मैंने अपनी भी एक कहानी लिखी है सेमिनार वाली क्लास के लिए। अच्छा, मेरे पास रिटर्न लिखी भी मौजूद है वो कहानी। 30 मिनट्स की है। सर मैं आपको सुनाता हूँ, वो आप देख लें, मतलब 30 मिनट। बाकी स्टूडेंट्स भी सुने जी, सुनाओ। गर्मियों की एक शाम अहमद अपनी आखिरी ट्रैवल वीडियो एडिट कर रहा होता है, जिसमें जो उसको एक स्पॉन्सर ट्रिप किया था, जो कि उसने अपने क्लाइंट को एडिट करके देना था, जिस वजह से वो सुबह से काम में मसरूफ था। काम करते करते अचानक वो रुक गया और उसके बाद बार हाँ कोशिश करता रहा कि दोबारा से अपना काम कर सके, मगर वो किसी तरह गहरी सोच में था और इस सोचते सोचते स्टूडियो में ही नींद की गहरी वादियों में चला गया। सुबह के वक्त घर जाकर उसने अपनी अम्मी को बताया कि हुंजा जा रहा है, मगर बेटा अभी तो तुम हुंजा से वापस आए थे। अम्मी जान इससे मुखातिब हुई। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोला, क्लाइंट को कुछ चीजें जरूरत हैं जो के रह गई हैं तो वो पूरी करनी है। अहमद अक्सर ऐसे ही अचानक घूमने निकल जाता था और हमेशा निकलने से पहले रात इसे एंजाइटी होती थी, मगर इस बार ये तड़प कुछ और ही थी। इस बार पहाड़ नहीं कुछ और इसे अपनी तरफ बुला रहे थे। इस कशमकश में पूरी रात वो मोबाइल इस्तेमाल करता रहा, जहां बहुत सी चीज़ों के अलावा उसने देखा कि एक लड़की सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है जो कि सोलो बाइक ट्रिप पर है, और ख़ास बात इसमें जो एक दूसरे से मुख्तलिफ जाहिर कर रही है वो इसका निकाब करना है। वो इसके दिल को भा जाती और इसे देख कर सोचता है। उसके पास वक्त कम होता है, वो सोचते ही एक दिन में अटक से हुंजा पहुंचेगा। जब वो नारान के पास पहुंचता है तो उसकी नज़र एक बाइक वाले पर पड़ती है जो किसी चीज़ का इंतजार कर रहा होता है। वो रुककर मदद के लिए पूछता है तो सामने वही नकाब वाली लड़की होती है जिसे वो रात देख रहा था। वो इसका बाइक ठीक करने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान वो लड़की से पहचान जाती है। वो लड़की से अपना नाम बताती है कि वो स्कूल में क्लास फेलो रह चुके हैं और इनमें गुफ्तगु शुरू हो जाती है। इस दौरान अहमद उसे बताता है कि बाइक लोड करवाकर मंसेरा लेकर जाना होगा, और क्योंकि आगे सफर लंबा है और इसके बाइक का काम करने वाला आगे मुश्किल है, क्योंकि अब एक पुराना ताल्लुक निकल आया था और अहमद भी वापस इसके साथ मानसेरा लौट आया। बाइक वो किसी गाड़ी पर लोड करवा कर एक ही बाइक पर बैठ जाते हैं। लड़की बाइक चलाने का कहती है तो अहमद डरता है, मगर इसकी ड्राइविंग देखकर हैरान रह जाता है कि वो एक अच्छा बाइक चला लेती है। लड़की बाइक मकैनिक को देने के बाद वो खाने का फैसला करते हैं। खाने के मेज पर वो एक दूसरे से प्लान पूछते हैं तो अहमद बोलता है कि उसने हुंजा स्टे करना था, मगर अब वो नारान ही रुक जाएगा। लड़की नदामत के साथ माजरत करती है कि वो इसकी वजह से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सका, तो अहमद बोलता है कि मुसाफिरों की कोई मंजिल नहीं होती, जहां रास्ता ले जाए चले जाते हैं। बाइक ठीक हो चुकी होती है, वो नारान की तरफ सफर शुरू करते हैं और नारान पहुंचकर दोनों एक ही होटल में रुकते हैं। रात देर जब अहमद हवा खाने छत पर जाता है तो आयशा पहले से वहां मौजूद होती है। वो उससे पूछता सोई क्यों नहीं, तो वो उसे बताती है कि कल इसने धोती पासर झील का ट्रैक करना है तो इसी सोच में नींद नहीं आ रही। वो इसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा अक्सर लंबे सफर से पहले होता है कि अगर नींद पूरी ना हुई तो ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। वो इससे जाके सोने का बोलता है तो वो जाते जाते इससे पूछती है कि तुम्हारा सुबह का क्या इरादा है, तो वो उसे बताता है कि वो किसी लड़की की तलाश में आया था। इसे पूछने पर बताता है कि वो उसे जानता नहीं। आखिरी ट्रिप में वो इसके कैमरे में आ गई और जब से उसकी तस्वीर देखी उसे भूल नहीं पा रहा। आयशा इसे बोलती है
उसे प्यार हो गया। अहमद बोलता है प्यार क्या होता है वो नहीं जानता, बस एक बार मिलने की जस्तजू यहाँ ले आई। खैर दोनों एक दूसरे को शब खैर बोलने के बाद सोने चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद वो आयशा के बारे में सोच रहा होता है कि वो सुबह ट्रैक के लिए कैसे करेगी। इस बार वो आयशा के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। सुबह जब वो निकलता है तो आयशा भी होटल छोड़ रही होती है। एक दूसरे को खुदा हाफिज़ करके चली ही होते हैं कि अहमद वापस मुड़ता है और आयशा से बोलता है कि वो भी इसके साथ चलेगा। आयशा से कहती है कि वो पहले इसकी वजह से वक्त बर्बाद कर चुकी है। वो इसे बोलता है कि अगर हम ऐसी ही बातों में वक्त लगा देंगे तो रात ऊपर ही आ जानी है, मगर इसके पास कैंप भी नहीं। वो दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। 7 बजे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। ट्रैक 6 से 7 घंटे का होता है। वो उन्हें शाम को वापस आना था। आयशा का ये पहला ट्रैक था और इससे पहले इसने इतना लंबा ट्रैक नहीं किया था। रास्ते में काफी बार वो हिम्मत हारी मगर अहमद ने उसे हौसला दिया और किसी ना किसी तरह वो ऊपर पहुंच गए। शाम का वक्त था। वो मंजर दोनों के लिए ही मुनफरिद था। आयशा पहली मरतबा यहाँ आई थी और अहमद ऐसे किसी लड़की के साथ पहली दफा मरतबा आया था। वो इस एहसास में डूबते सूरज देखते रहते हैं और वक्त का अंदाजा ही ना होता और रात हो गई। ख्याल आने पर अहमद बोलता है कि अब वापस जाना ठीक नहीं रहेगा, क्यों ना यहीं रुक जाएं। अहमद लकड़ियां इकट्ठी करके खाने का इंतजाम करता है। खाना खाने के बाद आयशा से बोलता है कि वो कैंप में जाकर सो जाए। वो इस तरह स्लीपिंग बैग में खुले आसमान के नीचे सोने का आदी है। आयशा राजी नहीं होती क्योंकि इसे अच्छा नहीं लग रहा होता, मगर अहमद के जिद करने पर वो चली जाती है। अहमद इधर ही लेट कर इस एहसास को महसूस कर रहा होता है। इसे समझ नहीं आ रही होती कि एहसास क्या है। एकदम आसमान पर बादल आते हैं और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। आयशा इस कैंप में आने का बोलती है। अहमद उसे बोलता है कि ये बारिश इतनी देर नहीं रुकेगी, कुछ देर में रुक जाएगी। मगर आयशा इधर उधर आयशा के इसरार पर वो कैंप में आ जाता है। दोनों बैठ कर बातें करने लग जाते हैं और अचानक बादल गरजने की आवाज पे आवाज पर आयशा उसके पास आके बैठ जाती है, डर जाती है अगर अहमद के पास आकर बैठ जाती है। इसके बाजू पकड़ कर कंधे पर सर रख लेती है। कुछ देर वैसे ही बातें करने के बाद आयशा सो जाती है। बिजली गिरने पर कैंप में रोशनी होती है जिसकी वजह से अहमद की नजर आयशा के पुरसकून चेहरे पर पड़ती है। कुछ देर के बाद अहमद किसी गहरी सोच में खो जाता है। जब इसे होश आता है तो वो आयशा के बालों के साथ खेल होता है। इस दौरान हल्की हल्की सी रोशनी हो जाती है और वो मुसलसल आयशा की तरफ देखते जा रहा होता है। अचानक आयशा की आंख खुल जाती है। वो एकदम साइड पे होती है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चेहरा ढांप लेती। वो लोग नीचे आ जाते हैं, उनजा की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। और अब अहमद को तो नहीं मालूम होता कि इसकी मंजिल क्या है। वाकई ही इंसान रस्तों पर चलता है और मंजिल खुद ही बन जाती है। उनजा पहुंचकर जिस लड़की की तलाश में आया होता है वो उसकी तलाश करता है। उसे मालूम होता है कि वो चपुरसन से आई थी। आयशा से कहती है कि सुबह दोनों चलेंगे, लेकिन अहमद शायद कुछ और ही सोच रहा होता है और वहां जाना चाहता ही नहीं, या इन्हें खुद नहीं मालूम होता। मगर आयशा के कहने पर वो इसके साथ चला जाता है। वहां पहुंचकर पता करने पर ही मालूम होता है कि जिस लड़की की तलाश में वो आया था इसकी कल शादी, और वो लोग दरिया पार जा चुके हैं जहां उसकी शादी की तकरीब हो रही है। दरिया में सिर्फ एक ही कश्ती थी जो सुबह वापस आएगी। वो लोग रात वहीं दरिया के किनारे गुजारने का फैसला करते हैं। अहमद अपने अंदर जो चल रहा था वो आयशा को बताना चाहता है, मगर इसमें हिम्मत नहीं पैदा होती। सुबह नाश्ते के वक्त वो आयशा से कहता है कि हम वापस होटल जा रहे हैं। आयशा के कहने पर वो कहता है कि इस बार वाकई इसे प्यार हो गया है, मगर उससे नहीं जिसकी तलाश में वो निकला था मगर उसे ये सुन के आयशा कुछ देर इस बार वाकई ये सुन के आयशा कुछ देर खामोश रह जाती है और गुस्से से बोलती है कि ये कौन सा तरीका है, अब तुम्हें लग रहा है जिसे तुम इतने दूर आए थे वो नहीं मिली तो यहाँ चांस लिया जाए। वो इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आयशा से बोलती है कि वो अपने कैरियर के बारे में बहुत पैशनेट है और वो इसके कुछ बनना चाहती है। तो वो तुम जैसे किसी के लिए हंजा आ सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी के कोई गोल नहीं होंगे। अहमद को समझ नहीं आती जो लड़की इतनी चुपचाप सी थी एकदम कैसे भड़क उठी। वो वापस होटल जाने लगते हैं तो इससे पूछती है कि तुम उसे मिलने नहीं जाना जिसके लिए आए थे। तो वो बोलता है नहीं, इसकी मंजिल कोई और है। होटल पहुंच कर वो एक दूसरे को खुदा हाफिज करने लगते हैं। तो अहमद बोलता है कि किसी के एहसास दूर दूर रहकर ही होता है, तुम्हें भी ये एहसास होगा जब जब मेरा तुमसे रابطہ नहीं होगा। अहमद से वापस
अहमद वापस अटक आ जाता है और वो आयशा अपना सफर पंजाब की जानिब शुरू कर देती है। वापस लाहौर पहुंचकर अहमद को कॉल करती है और बोलती है कि कब तक अलग अलग जाएंगे, क्यों ना अब हनीमून पर जाया जाए। भाई स्टूडेंट्स, आप में से कोई इस पे कमेंट करे, हाउ इट साउंड्स आपको कहानी, कोई कमेंट स्टूडेंट्स में से पहले लूंगा। सर वो आवाज हंजला की मुझे तो काफी ब्रेक होके आ रही थी, बस एक ओवरऑल ही समझ आई है बात, जो मतलब उसके करेक्टर्स का समझ आया है थोड़ा सा कि लेकिन वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो वो बता रहा है सर, उसमें मुझे कोई क्लैरिटी नहीं नजर आई सर। ओके, नेक्स्ट कोई स्टूडेंट और इस पर ब्रेक हो रही थी शायद, वो इस वजह से मुझे नहीं। ओके ओके, नहीं मैंने तो पूरी सुनी है, मैं बताता हूं। कोई और स्टूडेंट अगर इस पे कमेंट करना चाहे। इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, वो गए और वो सब कुछ रैंडम रैंडम बोल रहा है और वो व्यूअर को पहले ही पता चला है क्या वाला आ गया। गुड गुड गुड, तुमने अच्छी अच्छा कमेंट दिया है। कोई और स्टूडेंट, कोई और स्टूडेंट इस पे कमेंट करना चाहे, इसलिए कि ये कहानियां इसलिए सबके सामने रखी जा रही हैं ताकि आप इससे सीखें, आप में भी क्रिटिकल व्यू होना चाहिए ना, तो आप में से कोई इस पे क्रिटिक देना चाहे तो इट्स ओपन, नहीं तो मैं गाइड करता हूं। तो कोई और बचा नहीं बात करना चाहता तो मैं बताता हूं। देखें अभी एक स्टूडेंट ने जो बात की है वो मोहम्मद जरमेन शाहिद ने, वो बिल्कुल ठीक थी। बात ये है देखो, तीन करेक्टर आपने दिखाए हैं, तीनों कंफ्यूज हैं, तीनों को कोई रोल, दो दो करेक्टर, ओ भाई तीसरा वो जिसको दरिया पार करवा दिया है, जिसकी शादी है। जी सर, वो सिर्फ मतलब एक ख्याल में, मतलब उसके पास उसकी एक पिक्चर थी, उस करेक्टर का कोई मतलब अपीयरेंस नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस पूरी स्टोरी में कहीं नहीं आई। यार पर करेक्टर तो हो गया ना, बस गौर से सुनो ना, गौर से सुनो। बात ये है, लड़का क्या है, उसकी क्या क्या सोच है कि एक तो पहले ख्याली लड़की के पीछे चल पड़ा, अब मजाक है हुंजा जाना, एक ख्याली लड़की को जो उस पे आई है सोशल मीडिया पे और चल पड़ा, नंबर एक। नंबर दो, जो लड़की उसे मिली है वो कौन है, उसका कोई आगा पीछा, यार लड़की लड़की नहीं होती, क्यों वो सफर कर रही है। चलो आपका जवाब होगा जी कि वो एडवेंचर कर रही है। ओ भाई, लड़कियां अगर एडवेंचर भी करती हैं, डिस्कवर भी करती हैं, तो उसके पीछे एक पूरा उनका एक सिस्टम होता है, ये नहीं है घर से मुंह उठाकर निकल गए, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका कोई गोल होता है, ये नहीं है कि जो लड़का मिला उसे गप लगानी शुरू कर दी, इस तरह नहीं होता। और जो बात अभी एक स्टूडेंट ने की, और सुन तो लो जो के वो लड़की मिली है, अब दोनों वहीं हमें पता चल गया था कि इनकी मोहब्बत का ट्रैक शुरू होने लगा, यानी जो ही लड़का लड़की को मिला है, ये सिमिलर है कि लड़की का गाड़ी खराब है, हीरो आ गया, ये मतलब आप देख, और हमें पता चल जाता है लो जी अब इन्होंने ठहरना है अब, और वो पूरा एक ट्रेवल है, उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कोई बाइटिंग चीज नहीं है, बस मिल रहे हैं बातें हो रही हैं मिल रहे हैं, एंड में पता चला जी को वो लड़की जिसके ख्यालों में आया था, भाई ख्यालों में क्यों आया था यार, पढ़ा लिखा बच्चा है, डॉक्यूमेंट्री बनाता है, आंखें बंद करके ख्वाब आया और चल पड़ा, तो ये चीजें कन्विंसिबल नहीं होती। और इतना लंबा ट्रैक लिया है आपने उनका लव अफेयर कराने के लिए, और उसको कैसे बनाओगे और कैसे, और बीच में से निकलेगा क्या, क्योंकि व्यूअर को तो पता है कि ये उसके साथ अटैच हुआ, अभी अभी दो मिनट बाद ही कहेगा मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कोई कोई ऐसी कंफ्लिक्टिंग या कोई ऐसी कहानी का मोड नहीं है कि जिसमें कुछ सस्पेंस या किसमें कोई फीलिंग हो कि भाई ये क्यों इसके साथ अटैच है, पीछे कहानी क्या है, लड़की कहां से निकली है, लड़की को जाना कहाँ है, लड़की चाहती क्या है, सारे सवाल आते हैं। तो भाई मेरे तो मुझे तो सीधी बात है कि फ्लैट है, फ्लैट लगी है।
सीधी सीधी बात है। एंड में आपने एक वोट डाल दिया कि जी वो जिसके पीछे आया था उसकी शादी हो रही है। भाई क्यों हो रही है, क्यों उसके पीछे आया था, न जान न पहचान और पीछे चल पड़ा। तो ये चीजें हैं जो करेक्टर को, जो लड़के का करेक्टर है वो कंफ्यूजिंग है। वो कहीं पर भी मुझे वो लड़का कोई एक अच्छे उसमें एक पॉजिटिव या एक जो जिस उस रोल में नहीं है कि जो डिटर्मिनेशन के साथ। तो बाकी मैं क्या कह सकता मुझे सर, तो मैंने जो पहला आपका क्वेश्चन था लड़की हूँ मतलब किसी के साथ, वो इसके साथ इसलिए मतलब फिर सफर कर रही होती है सारा कि मतलब उनकी पुरानी एक जान पहचान होती है, वो पुराने क्लास फेलोज होते हैं यार। उनको बात सुनो, ये भी मैं आपने बताया था, ये भी क्लिशे है, पुराने क्लास फेलो थे तो पहले क्यों नहीं मिले थे, चलो अचानक मिल गए। अचानक मिलते हैं और लड़का इसलिए नहीं पहचानता कि लड़की निकाब में होती है यार। फिर वही बात आ जाती है कि बड़ी छोटी छोटी आपने लगाए हुए हैं चीजें जो इतनी ज्यादा कन्विंसेबल नहीं है। अच्छा फिर लड़की निकाब ले कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्यों घर से निकली है सर? मतलब कोई मेंबर है किसी क्लब की, कोई 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 देखें ये आमतौर पर, ये तो आपने एक फिल्म देख ली है बाइकर मोटर वाली, और यार उस फिल्म का और फीलिंग थी उसको, और उसके अंदर एक लड़की का जो कराची से चलती है उसके पीछे एक पूरा जज्बा था, कोई एक चीज थी, डिटर्मिनेशन थी। हर लड़की ऐसे घर से नहीं निकल आती, आपको भी पता है ये मुल्क क्या है, कैसा है, रात कैसे गुजरती है, ये सारी चीजें हैं। तो कदम कदम पे हमें जवाब देना पड़ेगा व्यूअर को। मुझे मुझे ऐसे लग रहा है, सीधी बात है। सर मैं सुनाऊं? हाँ प्लीज सर। मैंने उस हिसाब से लिखी है 35 to 40 minutes, तो थोड़ी लंबी है। ठीक है, तो नहीं उसको छोड़ो अभी ड्यूरेशन को, पहले कहानी। ईद उल अज़हा की नमाज के बाद जो सबने शाम 6 बजे इकट्ठा होना था, वो रात 9 बजे शहजाद कैफेटेरिया बैठे थे। सितारा पाजी ने साइन से कहा कि कोबरा को फोन करो, हमारे कहने पर तो वो आता नहीं, आपके बुलाने पर तो भागा चला आएगा। बरादरी जो ठहरी, आप छोटे मलिक और वो बड़ा मलिक। साइन ने पता नहीं क्यों पर ना चाहते हुए भी लिहाज रखा और बगैर कुछ कहे कोबरा को फोन मिला दिया। कोबरा नाम है जी सर, एक करेक्टर का निकनेम है। अच्छा फिर काफी देर तक जाती रही तो सितारा बोला, अरे अब तो बिरादरी वालों का भी फोन नहीं उठा रहा मलिक साहब। साईं उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ ही था कि कोबरा ने कॉल उठा ली। साईं ने हमेशा की तरह जोश तरीके से हेलो कहा और ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि साईं कहाँ हैं आप, फोन ही नहीं उठाते। इतनी बात होने के बाद अभी तक भी फोन पर आगे से हेलो तक का जवाब नहीं आया था। साईं ने फिर इस अंदाज में हेलो कहा कि जैसे वो ये मालूम करना चाह रहा है कि कोबरा को उसकी आवाज सुन भी रही है या नहीं। तो उधर से सितारा बोला कि इसकी आवाज लगी वो चने खा रहा है। इतने में ही कोबरा ने फोन पर अचानक से कहा अस्सलामु अलैकुम। आवाज भारी थी और लहजा पुरजोश, जैसे कोई दिल्ली से आए चाचा के बेटे को सालों बाद मिलने पर गरम जोशी से सलाम करता है। सितारा हंस हंस के लाल हो रहा था कि अचानक छोटू आन टपका। सितारा उससे मिलने के लिए उठा तो वो मैंने थोड़ा दूर ही से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाँ तुझे अब वक्त मिला है ईद की मुबारक देने का, तू रहने दे बस मैं नहीं मिलना आप से। खैर अलग से अलग का सिलसिला यूं मजाक में आगे बढ़ता बढ़ा और सब अपनी नशिस्तों पर विराजमान हो गए। सब ने हस्बे मामूल अपनी सुनाना शुरू की और कैफेटेरिया का मालिक ऑर्डर लेने आ गया। ज्यादातर वो ये कैफेटेरिया खुद ही संभालता था। चर्च का सिगरेट लगाए वो अपनी बात करने के मखसूस अंदाज में गर्दन हिलाकर बोला, क्या लेंगे? सब सोच में पड़ गए और कुछ पल के लिए तो सन्नाटा सा छा गया। तो सितारे ने शहजाद से मुखातिब होकर कहा, अच्छा मुझे एक कोला ला दें और बाकी इनसे पूछ लें। छोटू ने कहा कि यार मैंने अभी 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 थोड़ी देर पहले खाना खाया है, आज तो गोश्त खा खा कर
बस हो गई, जिसम में ऐसी गर्मी महसूस हो रही है। सितारे ने उसकी बात काट कर कहा कि ये कहानी बाद में सुन लेंगे, पहले शहजादे को ऑर्डर बता दो। तो छोटू ने कुछ कहा, तो छोटू ने कहा नहीं कि कुछ नहीं चाहिए, सबने अपना ऑर्डर बताया और शहजाद जाने ही वाला था कि छोटू ने कहा यार मेरे ना गैस हो गई है पेट में, तो आप ऐसा करें कि शहजाद भाई सोडा ले आए। शहजाद जो मुसलसल अपनी मुंडी हिलाने के बावजूद भी सिगरेट की राख बगैर नीचे गिराए अभी तक कश खींच रहा था, अच्छा ठीक है कहकर फिर से पलटने ही वाला था कि कोबरा की आमद हो चुकी थी। मेल जोत से पहले ही ने कहा कि मलिक साहब आप क्या लेंगे बता दें, ताकि सबके ऑर्डर के साथ ही आपका ऑर्डर भी आ जाए, जो सब ले रहे हैं वैसे ही वही मंगवा लो। सितारा बोला कि सब आम लेना है। तो कोबरा ने कहा तूने जो मंगवाया है वही मंगवा ले। तो सितारा ने कहा कि इसके लिए भी एक कोला ले आए, और थोड़ा रुक कर बोला अच्छा मेरे लिए कोला रहने दे, सोडा ही ले आए। शहजाद ये बात सुनकर बेसमेंट की पहली सीढ़ी चढ़ा ही था कि कोबरा ने आवाज लगाई मेरे लिए भी सोडा ही ले आइएगा। इस बात पर सब ही हंस पड़े। खैर बात आगे बढ़ी, साई ने कोबरा से खैरियत मालूम की, तो जिस पर कोबरा ने कहा तो यार पेट में थोड़ी गड़बड़ है, और छोटू भी साथ बोला है ना मेरे भी अजीब सी घुटन सी है, समझ नहीं आ रहा शायद गैस है, पर जिस्म में अजीब सी गर्मी है। और साथ ही साथ उसने कोबरा से दरियाफ्त करना शुरू कर दिया कि जैसे कोई डॉक्टर मरीज का तबी मुआयना शुरू करता है, क्या खाया था कब खाया था वगैरह वगैरह। कोबरा ने जवाब दिया ईद का पहला दिन है तो सबकी तरह गोश्त ही खाया था। छोटू ने पूछा छोटा गोश्त या बड़ा गोश्त, कोबरा ने कहा सुबह कुर्बानी के बाद कलेजी, दोपहर में बीफ पुलाव और अभी भुना हुआ छोटा गोश्त खाकर आ रहा हूँ। तो बीच में सितारे से साई ने पूछा कि छोटा और बड़ा मतलब मटन और बीफ, तो सितारे ने जवाब में कहा साई तू पूछ के आम लाने में। छोटू बोला बस मसला पता चल गया है, तो तूने ये जो इतना कुछ खाया है इसकी वजह से तुझे गर्मी हो गई है। कोबरा ने पूछा क्या मतलब, तो सितारे ने शुगल में कहा हाँ भाई बताओ बताओ ये गर्मी का क्या मतलब। छोटू ने कोबरा से कहा तेरा जिस्म गर्म हो रहा है। कोबरा सोच में पड़ गया, इससे पहले कि वो कोई जवाब देता सितारा लपका और कोबरा के माथे पर हाथ लगाकर कहने लगा कि इसका जिस्म तो बहुत गर्म है। छोटू बोला आज रात तो इसको नींद नहीं आती। सितारा बोला हाँ ये वो दिया है जो बुझने से पहले फड़क रहा है। साई ने अपने मकसूद अंदाज में तेजी से कहा यार इसका इतना संजीदा मसला है, डॉक्टर साहब को तशखीस करने दे। छोटू थोड़ा गुस्से में आया और कहा यार एक तो तुम हर बात में मजाक में ले लिया करो, और साथ ही नॉर्मल होके कहने लगा कैसा होता है कि गोश्त खाने से आपके जिस्म में गर्मी पैदा होती है, मर्दाना ताकत बढ़ती है। अभी उसने पाए और नली नहीं खाई, नहीं तो ये दीवारों में टकरे मार रहा होता। सितारा उकता कर बोला यार खुदा का खौफ कर ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी आवाम तो भी इसलिए खाती है कि उनको लगता है कि इसमें मर्दाना ताकत है, हालांकि सब्जी लेते वक्त लोग के कहने से पहले ही बेचने वाला उसे अलग कर चुका होता है, अगर इतनी ताकत की हामिल होती तो कोई उसको तेरे जैसे मुफ्ते के लिए क्यों छोड़ता। इन सब बातों में कोबरा बहुत मुतजस्स नजर आ रहा था, जैसे वो छोटू के इल्म में ताकत के सारे रातों को जानना चाहता है। बात मजाक में बदल गई और मजाक से संजीदा किस्म बहस में। छोटू के पास कोई खास दलील तो ना थी, पर वो अपनी आवाज को ऊंचा करके खूब मुकाबला करता रहा। सितारा बजाहिर सुकून में बैठा नॉर्मल से लहजे में बात कर रहा था, जबकि छोटू का तैश बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि सितारा भी कुछ ज्यादा ध्यान दे नहीं रहा था और बाकी जो थे वो खूब हंस रहे थे। और तो और के जो दूसरे टेबल पर लोग बैठे थे वो भी हंस रहे थे। जब सितारे का जब टूट गया तो उसने हार मानने वाले अंदाज से छोटू की इस बात से माजरत की और बात खत्म करने की कोशिश की। छोटू की इस बात से थोड़ी ढारस बंधी और वो शांत हो गया, पर बात उसने अभी भी छोड़ी नहीं थी, बस तरीका और अंदाज बदल लिया था।
और अब बात जोर पकड़ चुकी थी और दिल्ली तक जा पहुंची थी। छोटू ने बताया कि यहाँ एक दिल्ली वाले हकीम साहब थे, मेरे एक दोस्त हैं शाहजी, उन्होंने मुझे हकीम साहब का बताया। शाहजी कहते कि मेरे दादा, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, सितारे ने बात काट कर जन्नत कर कहा, जन्नत बख्शने वाली बात शाहजी ने कही थी, खुद से तू कह रहा है। साईं ने सितारे को चुप करवाया। कोबरा भी बोला कि यार सच में बात नहीं, बीच में बात नहीं काटते, जो कह रहा है आराम से सुन लो। छोटू ने शुक्र मेरी आंखों से कोबरा को देखा और कहने लगा, शाहजी के दादा के 28 बच्चे थे। साईं ने पूछा कितनी दादी थे। छोटू और कहा, सुन तू सुन तो ले पूरी बात, और बता रहा हूँ, भौंक रहा हूँ। उसकी तीन शादियां थी और तीनों फौत हो गईं, फिर पर दादा अभी भी दादा फिर भी जिंदा था। शाहजी ने कहा कि उम्र के आखिरी हिस्से में होने के बावजूद भी वो एक शादी कर सकते थे। सितारा बोला, शाह का दादा कैसे मरा था ये मुझे पता है। सबने कहा कैसे, तो सितारा बोला कि एक दफा हुकूमत आटा तकसीम कर रही थी, हेलीकॉप्टर से आटे की बोरियां फेंकी जा रही थी, शाह का दादा बोरी कैच करने के लिए भाग रहा था, बोरी उसके सीने पर गिरी और वो मर गया। छोटू ने गुस्से में कहा कि शर्म कर, वो फौत हो गए हैं। इसी दौरान कोबरा ने एक बहुत मासूमाना सा सवाल किया, क्या उसके दादा इसलिए इतना ताकतवर थे कि वो दिल्ली वाले रहते थे। सितारे ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, हाँ बिल्कुल। इतने में साईं बोला, नहीं मलिक साहब, वो के लोग थे, उनका खाना रहना सहना सब असली था, वो आज के हम जैसे मॉडर्न लोगों की तरह पोपले नहीं थे। सितारे ने वक्त देख लिया, बहुत वक्त हो गया, अब चलते हैं, खैराबाद कहते हुए सब वहां से अपने घरों को नारा मारा। कोबरा ने छोटू से कहा कि अगर उसे कोई मसला ना हो तो वो उसे घर छोड़ दे। छोटू ने उसे बाइक चलाने को कहा और खुद पीछे बैठ गया। कोबरा ने बगैर इंतजार किए छोटू से दरियाफ्त करना चाहा कि वो दिल्ली वाले हकीम अब हैं या नहीं। तो छोटू ने कहा, नहीं नहीं, उनके बेटे हैं, उन्हें छोटे हकीम साहब कहते हैं, उनका कोई दवा खाना तो नहीं है, बस अपने जान पहचान वालों का दवा दारू कर देते हैं। तो तू क्यों पूछ रहा है? तो उसने कहा कि यार एक कजन है, उसको बहुत मसला है, हजारों रुपए खर्च कर चुका है पर कोई आराम नहीं आया। छोटू ने झट से कहा, हाँ हाँ कोई मसला ही नहीं, चले चलेंगे। कोबरा का घर आ चुका था। कोबरा ने छोटू को घर आने की दावत दी, खाना छोटू ने बड़ी खुशी का इजहार किया पर साथ ही इजाजत चाही और कहा कि फिर मिलेंगे। कोबरा घर चला गया। कोबरा देर रात तक दिल्ली वाले हकीम के बारे में सोचता रहा। वो एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा नया खिलौना मिलने पर रात अगली सुबह इस खेलने की खुशी महसूस करता रहता है। रात गुजर गई। दिन में कोबरा ने अपनी माँ से कहा कि वो आज पाए बनाए, जो कि वो सुबह की सफाई और कटवाई करवा के ला चुका था। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैं ठीक हूँ, मैं क्लास है, चाहे कोई खास गल है? हेलो, आवाज नहीं आ रही? जी जी बोलो बोलो। सर मुझे आवाज अब आ रही है? जी सर अब आ रही। अच्छा तो कहानी आपकी खत्म हो गई या अभी है? एक लाइन रह गई है वो। मैं हाँ बोले। उसकी माँ ने कहा कि अभी कुछ दिनों में तुम्हारे मामू वगैरह आएंगे, फिर बनाऊंगी। उसने जिद की कि आप मुझे एक ही बना दें। अब से भी थोड़ा सा आगे रह गया बस, तो वो अभी मैं देख रहा था, अभी बस थोड़ा सा आगे स्टोरी रह गई है। नहीं आप कॉन्फ्लिक्ट पे आओ ना, आप एंड पे आओ। क्या है एंड? क्या है एंड? यही है कि वो जो करैक्टर है कोबरा, तो उसको लगता है कि वो कोई कमजोरी महसूस करता है या वो इस चीज को लेके कॉन्शियस है, तो वो उस चीज का इलाज करवाना चाहता है, उसको कोई बीमारी ऐसा सच नहीं है। तो वो बस बार बार प्रयास करता रहता है कि उसे किसी इस तरह से कोई उसको कोई टोटका मिल जाए जिससे वो अपने ऊपर आजमाए और वो कहे कि वो हो गया। okay. बताना बढ़ गया तो वो इसी सुने।
अच्छा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है? चले मैं सीधा सवाल करता हूँ सर, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वो एक तो जमाने के डर से पूछ नहीं सकता उस मतदाना ताकत का, तो वो बातों बातों में पूछना चाहता और जिक्र हुआ तो वो उस तक वो सारी कहानी। ये पूरी कहानी सिर्फ मर्दाना कमजोरी के हवाले से? जी सर। तो ये और तो उसके कहानी, ये तो कहानी है ही नहीं, ये तो चंद लोग बैठे गप लगा रहे हैं जैसे सर, दोस्त जमा होते हैं, ये तो वही है ना, सब बैठे हैं। अच्छा, किसी का बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, कौन क्या है, क्या करता है, क्या कमाता है, कहाँ रहता है, कुछ नहीं, व्यूअर को कुछ पता नहीं। इतना पता है कि ये लोग एक जगह बैठे हुए हैं, खाना खाया हुआ है और बीमारियों की बातें कर रहे हैं और बीच में मर्दाना कमजोरी आ गई, उठ के चले गए। अगर ये इसी तरीके से तुम शूट करके किसी प्रोडक्शन हाउस को दो, क्या वो इसे खरीदेंगे? मेरा सवाल है, बता दो, खरीदेंगे? है? नहीं सर, कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि तो फिर किस लिए आप बना रहे हैं? सोचें कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, किरदार है, किरदारों की भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, नाम है। क्यों कोबरा को कोबरा कहते हैं, क्यों सितारा को तारा को तारा कहते हैं, क्यों क्या है, क्या कमाते हैं, किस एज ग्रुप के हैं, मुझे नहीं पता चला। आपके जहन में होगा होगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या आया कि सिर्फ उसको, अगर उसको कोई फर्ज करो कमजोरी है, फर्ज कर तो यार उसके लिए यही जगह है, वो जाए हकीम के पास, डॉक्टर के पास, अपना करे इलाज जो करना है। इन लोगों को बता के या इन लोगों में डिस्कस करके क्या 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 निकला? उस स्टोरी का जो एलिमेंट मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं उनमें से एक भी नहीं है। इसमें किरदारों का बैकग्राउंड होता है, किरदार की आइडेंटिफिकेशन, किरदारों का आपस में टकराव होता है, कोई टकराव नहीं, गप लगा रहे हैं। तो ये मैं क्या इस पे मजीद वक्त लूं, प्लीज प्लीज ये नहीं हो सकता। बस मैं इतना ही कहूंगा बजाय इसके कि मैं और टाइम इस पे लूं, मेरी राय ये है। अब अगर कोई और इसको अप्रूव करेगा तो बिस्मिल्ला, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरी नजर में ये स्टोरी नहीं है, इस काबिल नहीं है कि इसको शूट किया जाए, इसमें से निकले गई नहीं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसमें कुछ क्लियर नहीं है। ओके सर, कोई और कहानी पकड़, नेक्स्ट जी। थैंक यू सर। हाँ नहीं, जो बात सच है भाई, मैंने आपको बता दी है, मैं आपको क्यों पर्दे में रखूं। कोई और स्टूडेंट प्लीज। आतिफ अगर मौजूद हो तो, मैंने पिछली दफा आपकी कहानी को एक मोड़ दिया था तो आपने उसको अप्रूव किया या उसके ऊपर काम किया? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सर, मैंने वही वाली बात आपकी के हम अभी, मैं कागज पे नहीं उसको उतार सका, मगर ये है कि उसके फर्दर कुछ पॉइंट सोचने की कोशिश की थी और वो अच्छा आपने एक मोल्ड कर दिया था, उसको एक अच्छा नया रूप दे दिया था, तो इंशाल्लाह उसी को ही मैं फाइनलाइज करके चलूंगा और आपको जो स्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ स्क्रीन पे है, नहीं नेक्स्ट आप ले आए स्क्रीन प्ले, ठीक है? डन है जी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कोई और स्टूडेंट सुनाना चाहता हो? कोई और स्टूडेंट कहानी लेके आया हो प्लीज? कायनात, आतिर, शाजेब। जी सर, शाजेब। नहीं, किसी के पास अब कहानी हो तो बताए ना। सर कहानी है लेकिन थोड़ी स्कैटर्ड है, ये कि मैं इसको लाइनअप में ला के फिर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखें, बात यह है कि मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था ये यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है, ये है कोर्स आपका, तब होगा जब आप ये करोगे, तब आपको ये लोग नहीं तो रिपीट कराएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। प्लीज ये बात मैं आपको बता चुका हूँ और बार बार पढ़ा भी चुका हूँ, तो प्लीज आप क्यों नहीं इस पर तवज्जो दे रहे? और अगर आपसे कहानी नहीं बन रही तो मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप उन कहानियों में कुक पे ऊपर काम करें, ले आए और उसको कहें कि जी मुझे ये करनी है, फिर मैं आपको उसके ऊपर टिप्स दूं। तो ये अब ये डेडलाइन थी आज, अब आप देख लें।
सर कहानी है, लेकिन ये है कि वो आपको मैं सबमिट नहीं करवा सकता अभी, क्योंकि वो रिटर्न फॉर्म में भी नहीं है, थोड़ी सी रिटर्न फॉर्म में, लेकिन वो पूरी प्रॉपर रिटर्न फॉर्म। अच्छा, आप रिटर्न फॉर्म में आते से कह के मुझे ईमेल कर दो, जो जो स्टूडेंट्स रह गए हैं वो मुझे अपनी कहानियां ईमेल करें, दो दिन दे रहा हूं, एंड दैट्स ऑल। चलें सर, श्योर, मैं आपको दो दिन के अंदर कर देता हूं। दो दिन के अंदर आते रहे, इनको आप दें मेरा ईमेल और ये ईमेल करें मुझे। कायनात सर, मैंने की हुई है सर, मैंने सबमिट की हुई है। हाँ, मैंने आप उसको रिटर्न में लिखा था सर। एक कहानी है अली बाबा, जो सिंधी राइटर है, उनकी कहानी है चांद और रोटी। तो उसको, उस कहानी को मैं लिखना चाह रही थी स्क्रीन प्ले में और इसी क्लास के लिए, क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट। बच्चे बात सुनो, अली बाबा इतना बड़ा राइटर नहीं है कि आप उसकी कहानी को अडेप्ट करो। आपने करना ही है तो क्लासिक को करो, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अली बाबा इतना बड़ा राइटर नहीं कि उसे आप अडेप्ट करें। लोग पूछेंगे भी कौन है, किसको अडेप्ट कर रही हो, मिंटो का तो नहीं पूछेंगे, ठीक है? गुलाम अब्बास का नहीं पूछेंगे, बेदी का नहीं पूछेंगे। ये मेरा पॉइंट है, आगे तुम्हारी मर्जी है। सर आपने पढ़ी हुई है उनकी ये कहानी? बात यह है वो राइटर ही नहीं है। बात ये नहीं है कि उसकी कहानी बुरी होगी भाई, ही इज नॉट अ नोन राइटर, ही इज जस्ट प्ले राइट है, छोटा सा शास्त्री राइटर नहीं है वो। किस अली बाबा की बात करी है? ये सिंध वाला? हाँ, वो ठीक है, वो सॉरी वो ठीक है, वो राइटर है, सॉरी कहानी तो सुने पहले। हाँ नहीं, अली बाबा, यस नाउ आई रिमेम्बर, सिंधी राइटर ना जी। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। एक्चुअली मैं अली बाबा दूसरा समझ रहा था, जो लड़का है जो प्लेज लिखता है। नहीं सर, नहीं। अच्छा छोड़, सॉरी ठीक है, सुनाओ। सर उसकी कहानी एक शॉर्ट स्टोरी है, उसका नाम है चांद और रोटी। तो वो एक लड़का, एक बड़ा आदमी है जो अपनी मेमोरीज में जाके वो अपना बचपन याद करता है। तो उसको हम फिल्म में, मैंने उसको लिखा हुआ है कि हम, हो सकता है कि हम इस तरह से लें कि एक राइटर है जो कुछ लिखना चाह रहा है और उसको कुछ लिखा लिखने में उसको दिक्कत हो रही है, और या फिर अपनी कोई तस्वीर देखता है माँ के साथ, किसी भी उसको मेमोरी की तरह जोड़ सकते हैं। तो जब वो अपना पुराना टाइम जो है उसमें जाता है, जब वो छोटा था, अराउंड 12 years 13 years ओल्ड, जिस तरह से एक लड़का होता है स्कूल जाने वाला 5th 6th क्लास में, तो अपनी माँ के साथ मेमोरीज जो है वो रिमाइंड करता है कि वो के पुराना उनका घर है जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ है। और एक दिन ऐसा उनकी जिंदगी में आया कि उसे बहुत भूख लगी हुई थी, तो उसकी माँ जो है वो घर में इतनी चीजें होती नहीं थी, तो पुराना एक रोटी का टुकड़ा था वो उसको उसने खाने के लिए दिया। तो इस तरह से वो मोहल्ले में घूम रहा है, खेल रहा है, और उसके बाद वापस आता है और फिर कहता है कि जो है ना मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसकी माँ उसको पड़ोस में भेजती है कि आटा लेने के लिए, तो वहां से उसको कुछ मिलता नहीं है और फिर वो वापस आता है क्योंकि वो पहले से ही काफी लोगों से वो चीजें ले चुके होते हैं। उसके बाद जो है वो उसकी माँ उसको कहती है कि मैं क्या करूँ ना, अब क्या हो सकता है इस तरह से। फिर अचानक एक पॉइंट पे ना उसको कुछ याद आता है उसकी माँ को, और कहती है कि हो सकता है कि हमने घर पे कहीं पैसे रखे हों और हम भूल गए हों, तो मुझे चेक करने दो, देखते हैं। तो फिर इस तरह से दोनों उठते हैं और घर चेक करते हैं, और फिर कुछ जहाँ पे पैसे मतलब पॉसिबल हैं कि वो रख सकते हैं, तो वहां से उनको कुछ नहीं मिलता। तो फिर वो कहती है कि वो, हमने एक जगह तो छोड़ दी है, वो है जो गुसल खाना है, उसका रोशनदान है, उस पर शायद हम रखते हैं कभी कभी पैसे, उधर चेक करते हैं। तो लोग जाते हैं तो उनको फिर कोई नोट मिलता है, वैसे तो वो सिक्का है लेकिन हम उसको अगर नए उसमें लिया है तो कोई इनको नोट मिलता है। लेकिन फिर वो उसकी जो माँ है वो सिर्फ बच्चे से पूछती है कि वो मुझे मिल गए लेकिन बताओ कि कितने पैसे हैं। तो उसको कहता है कि इतने हैं, वो कहती है कि नहीं इतने नहीं है, और फिर वो कहती है कि नहीं, फिर वो कहता है कि नहीं इतने पैसे हैं। तो कहती है हाँ। उसके बाद जब खोलती है तो पैसे जो है बहुत पुराने होते हैं, टूटे हुए होते हैं, मतलब ऐसी हालत में होते हैं कि वो उसको यूज नहीं कर सकते। तो बच्चा कहता है कि कोई बात नहीं, इस तरह के पैसे हैं कि हमारे मोहल्ले में एक जो अंकल बैठते हैं दुकानदार, वो जो है ना उनकी नजर बड़ी कमजोर है, तो उनसे मैं चीजें ले लूंगा और उनको कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो वो फिर वो डांटती है ना अपने बेटे को, कहती है कि तुमने ये हरकत, तुमने ये बात सोची भी कैसे। और फिर उस पैसों को जो है वो
जो है ना और उसको टुकड़े करके उसके वो नीचे वो फेंक देती हैं। तो फिर वो दोनों ऐसे फिर रूम में एक जगह पे चारपाई पे बैठा है लड़का और वो खुद माँ ऐसे टहल रही है, तो अचानक से एक बाहर से आवाज आती है जो बर्तन बेचते हैं, पुराने बर्तन बेचते हैं और लोहे बेचते हैं। तो उसकी माँ जो है वो उसको कहती है कि बाहर जाके इस बंदे को जरा बुलाओ दरवाजे पे। तो वो आता है तो उसको एक बर्तन देती है कि ये तुम अगर लोगे तो कितने पैसे दोगे, तो वो उसको बहुत कम पैसे बताता है। तो वो उसको कहती है कि नहीं इतना तो इतने पैसों पे तो मैं नहीं तुम्हें दूंगी। तो वो फिर चलता जाता कहता है कि बीवी तुम कौन से जमाने में रहती हो, अब ये तो बहुत यू नो महंगाई का दौर है। तो फिर अपने बेटे को कहती है कि हाँ दे आओ इसे बर्तन, दे आओ और जाओ उससे पैसे ले आओ। पैसे ले आता है तो उसको दुकानदार के पास भेजती है कि जाके आटा ले आओ। जब वो जाता है आटा लेने के लिए तो दुकानदार उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे बाप ने जो है वो बाहर से पैसे भेजे, तो वहां से आपको रिवील होता है कि उनका बाप कहीं और कमाने के लिए चला गया, तो कभी कभी उनको पैसे भेजा करते हैं। तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैसे भेजे हैं? तो बच्चा जो है वो कहता है कि हाँ। इस तरह से उसके मुंह से आस निकल जाता है। तो फिर उससे ना पैसे छीन लेता है हाथ से, उसको कहता है कि मेरे तुम लोगों के पास वैसे भी बहुत सारे पैसे हैं, तो वो ले आओ तो फिर मैं तुम्हें आटा दूंगा। तो बच्चे की रोने की शक्ल हो जाती है, वो जाता है घर तो माँ उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो थे वो पैसे तुमने गिरा दिए कहीं पे, मैं तुम्हें आटा लेने के लिए भेजा था। तो उसको बताता है कि इस तरह से, तो वो कहती है कोई बात नहीं, उसको वैसे भी हमने बहुत सारे पैसे हमने देने, तो कोई बात नहीं, अब तुम इधर बैठो कि मैं ना तुम्हें मिठाई खिलाती हूँ। तो वो उन उसके आगे मिठाई रखती है और वो कहती है कि वो कहता है कि ओ कहाँ से आई वो, तो कहती है कि पड़ोस में जो है वो किसी को बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी मिठाई है। तो उसके बाद जो है वो खाता है और उसके बाद फिर दोनों जो है वो रात को तारों की रात है और चारपाई है और उसके वो दोनों जो है ना उसको सुलाने की कोशिश करती है बेसिकली। तो वो फिर जो है ना उसको कहानी सुनाने की कोशिश करती है, कहती है कि एक जगह थी जहाँ पे लोग जो है वो छह महीने सोते हैं और छह महीने जो है ना वो जागते हैं। तो अचानक से बच्चा पूछता है, उसको दिल बहलाने की उसकी कोशिश कर रही होती है, तो वो पूछता है कि ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे छह महीने सोते होंगे उसको उनको भूख ना लगती होगी। तो वो उसकी अम्मा कहती है कि हाँ उनको नहीं लगती थी भूख इस तरह से। फिर उसको कहती है कि देखो ऊपर आसमान में देखो आज चांद नहीं है और हम हमारी जो रोटी है वो चांद की तरह है, वो कभी आधी है कभी पूरी है और कभी है ही नहीं। और फिर बच्चा जो है वो उसे आंखें बंद करता है सोता है और वहां पे वो स्टोरी खत्म होती है। सो ये स्टोरी अच्छा नहीं, अली बाबा अच्छा राइटर है, मैं समझता हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, इसकी डिटेल है और इसमें काफी चीजें हैं, क्योंकि सिंधी राइटर जो हैं वो बड़े प्रोग्रेसिव राइटर हैं। और अगर उसकी तुम डिटेल तो ज़ाहिर है आपने नहीं बताई, लेकिन शायद डिटेल में तुम अगर जाओगी तो उनका घर, उनका माहौल, उनका वो सारा, उनकी गुर्बत, उनका वो सारा कुछ आएगा। यू बेटर अंडरस्टैंड, मैं मुझे पता है आप क्योंकि वहीं से हो। मैं इसको कुछ नहीं कह रहा, ये ठीक है, लेकिन इसके साथ अगर आपके पास तो कहानियों का जखीरा है, मैं आपको जी अमर जलील का नाम सुना है? जी जी सर, पढ़ी है उनकी भी। तो उनकी एक कहानी कमाल की, वो कहानी ये आपको शायद याद हो कि दो डकैत होते हैं और कत्ल वतल हो जाता है उनसे, एक जो है वो भाग जाता है जो मुझे याद आ रही है, और एक जो है जेल में चला जाता है। जब वो वापस आता है जेल से तो उसको कोई कहता है कि एक बहुत माना हुआ पीर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की दरगाह पे बैठा है, बड़ी दुनिया उसको जाती है, इसको कोई मसला होता है तो कहते हैं तुम भी जाते हो उसको मिलो या उससे दुआ लो। पहुंचता है तो औरतें जैसे आपको पता है सारा वो उस पे है, ये भी करीब जब इसकी बारी आती है जाता है उसकी दाढ़ी है वो जैसे होता है तो इसको उसकी आवाज समझ आती है। थोड़ी देर में गौर करके कहते हो तुम वही तो नहीं हो, समझ गई हो जी, वो डाकू जो भागा था हाँ। उसने यहाँ बना ली, सुन लो ना, सवांग रचाया और आज
सबसे बड़ा पीर बना हुआ है, कितना बड़ा तंज है, और लोग उसको मान रहे हैं और कहते हैं कि ये जो कहते हैं वो पूरा भी होता है। तो ये एक उसकी एक कहानी है और नूरुल हुदा शाह की कहानी है। तो आपको मैं फ्री हैंड देता हूं, राइट, कि इस पे करो या आपको, क्योंकि एक से बढ़कर एक कहानी है सिंध में। जी सर। तो आपको जो अच्छी निकले आप उसको ले लो बस, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास तो काफी वो उस माहौल की कहानी है ना। सर अभी ये वाली जो स्टोरी थी ना, ये मैंने इसको थोड़ा और अपने तरीके से थोड़ी और डिटेल डाल के मैंने कल सबमिट की हुई है। तो अच्छा, चलो इसी को ले लो कोई बात नहीं सर। अगर मुझे हाँ लगता है कि मैं ये सर मैं इस क्लास की स्क्रीन पे लिखती हूँ, अगर मैं थीसिस भी करूंगी तो वो भी मैं फिर सिंधी की कोई स्टोरी उठाऊंगी उसके लिए। अभी अभी नोट कर लो ना, अगर अभी कोई मिलती है तो उसको अभी अभी पकड़ लो, ठीक है, अभी टाइम है ना। ठीक है जी सर, ठीक है, चॉइस ले लो, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है, आपके पास कहानियां बहुत अच्छी है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, नेक्स्ट कोई स्टूडेंट कहानी दिखाना चाहता हो? आतिर शायद क्लास में नहीं है। देखिए अगर आप में से किसी के पास कहानी नहीं है तो नाउ दो दिन के अंदर मुझे ईमेल कर दें, लिख के, जाहिर है लिख के करेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट, या आपको मैं ईमेल पे जवाब दे दूंगा ताकि आप नेक्स्ट वक्त जाया ना हो और आप उसका स्क्रीन प्ले बना के ले। ठीक है सर, ओके, मिल जाएगी चीज़, इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ अगर आपके पास नहीं है कहानी। ठीक है, आपने मेरी बातें सुन ली हैं, अब इसको प्लीज इस पे अमल करें। कहानी वो हो जो क्लाइमेक्स के साथ हो, कन्फ्लिक्ट के साथ हो और वाकयात के साथ हो, खाली गुफ्तगु और गपशप कहानी नहीं होती। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर क्लियर, ओके देन सर। इनको हाँ, कह दें कि वो आपका ईमेल एड्रेस शेयर कर दे हमारे साथ अगर बीच। हाँ, ईमेल आतिर के पास है, आतिर के पास है। ठीक है, ओके सर। और मैंने जो अपने दो तीन प्लेस कहे हैं वो अगर देखना चाहें तो आपको उसमें भी मालूम हो जाएगा कि कैसे कन्फ्लिक्ट बनता है और कैसे है, तो कम से कम कहानी तो की बॉडी का तो पता चल जाता है ना आपको। ओके देन, राइट सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मुझे ईमेल कर दे प्लीज। अच्छा क्या है जी? नहीं सब्जियां कुछ नहीं, सब्जियां आलू और बहुत मैंने मंगवा लो। हाँ मंगवा लो, आटा सैंडविच है आपको कुछ चाहिए? नहीं मुझे कुछ, बस क्या क्या मंगवा रही हूँ आटा हल्दी दे ठीक है दाल फिर यू करो, बस ये करो। हाँ ठीक है, तो आल पर तीन मंगवा लो, चार, हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है, मंगवा लो।
रेड तो नहीं मंगवाई? अच्छा डबल रोटी का लिखा है कौन सी हो? अच्छा मेरा फोन दे दे ऑयल डबल बहुत वैसे अभी खोला है पर ये ब्रांड ये देखना और उसे कहना कि ये बड़ा हो गया। हाँ ठीक है ठीक है बस काफी है। तुम लाई थी याद है तुम्हें?